तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन कि राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है वो कितने हैं, या राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो जो हम अध्ययन करते हैं दोस्तों वो चार भौतिक प्रदेशों के अंदर अपने अध्ययन किया करते हैं, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अपने चार भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से पूछा जाए तो कितने भाग हैं, चार। कौन कौन से हैं दोस्तों, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, या जिसे हम पश्चिमी रेतीले मैदान कह सकते हैं, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश कह सकते हैं, या अरावली की पहाड़ियाँ कह सकते हैं, तीसरा पूर्वी मैदान का हिस्सा आता है, और चौथा हमारा आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हड़ौती का पठार। जैसे हम देखें दोस्तों, ये अगर अपना राजस्थान अपने मान ले तो यहाँ पर अरावली है दोस्तों, जो अपने राजस्थान को दो भागों में बांट देती हैं। तो यहाँ पर अपना जो है वो पहला भौतिक प्रदेश है जिसे अपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं, ये हमारी अरावली पर्वतीय माला रह जाती है। और यहाँ अगर हमने इस तरह से बांट दें तो ये हमारा पठारी जो प्रदेश है वो वाला रह गया, और ये बाकी जो हमारा हिस्सा रह जाता है जिसे अपने कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो राजस्थान के अंदर देखिएगा दोस्तों, मैदान भी है, उसमें पठार भी हैं, उसमें पहाड़ भी हैं, और उसमें मैदान भी है दोस्तों, यानी इसमें मरुस्थलीय मैदान भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ये सारी भौतिक विशेषताएँ हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। आगे देखें अपने कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे पहले सर्वप्रथम अरावली बना, उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद में मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसका उद्भव हुआ अपने मान करके चलते हैं। तो राजस्थान के अंदर देखिएगा, अगर हम इसको इन शॉर्ट ये समझना चाहें, जैसे हमारी पृथ्वी थी तो उसके दो ही भाग हुआ करते थे, एक तो भूभाग था और एक था सागरीय। तो पेंजिया और पेंथालासा के अंदर ये बंटा हुआ था, ये हमारा पेंजिया था और ये हमारा पेंथालासा सागर था। इस एक भूभाग के दो टुकड़े हो जाते हैं, ऊपर वाला होता है हमारा अंगारा लैंड और ये हमारा है गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड था, बीच में टेथी सागर था, और इन दोनों के टकराने के कारण जो है हमारे यहाँ पर भारत का निर्माण होता है और बहुत सारी भौतिक परिस्थितियाँ बनती हैं। लेकिन हमारे काम की यहाँ से कौन सी चीज़ है कि एक तो अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड और एक हमारे पास में टेथी सागर था, इनमें से कौन कौन से भाग राजस्थान में मौजूद हैं। तो दोस्तों भारत के निर्माण में एक टेथी सागर का भाग है और एक देखिए गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी ये जो तीन भूभाग थे इनमें से हमारे यहाँ जो है वो टेथी सागर के अवशेष हैं और गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। भारत की बात करें तो राजस्थान भारत से बाहर तो है नहीं, तो इसलिए जो राजस्थान है वो उसमें टेथी सागर के अवशेष भी हैं और उसमें गोंडवाना लैंड के अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं, ये दोनों चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं जिनको बांटा गया है, तो उनका सबसे पहले जो निर्धारण किया गया था वो वी सी मिश्रा के द्वारा किया गया था, और राजस्थान का भूगोल थी उनके 1968 के अंदर सात भौतिक प्रदेशों के रूप में जिसमें इन्होंने बांटा था। यानी वी सी मिश्रा ने सबसे पहले भौतिक विभाजन या निर्धारण किया और सात भौतिक प्रदेशों के अंदर उसने बांटा था। वी सी मिश्रा का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे अपने आते हैं पहले भूभाग के ऊपर जिसका नाम था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों इसको अपने यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा राजस्थान रह गया, तो ये अरावली रह गई हमारी, तो ये जो हमारा भूभाग है इसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसको अपने दो भागों में बांट सकते हैं, ये हमारी 50 सेंटीमीटर वर्षा है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इसके इधर जो है हमारा ये सारा का सारा हिस्सा कौन सा रह गया, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये 25 सेंटीमीटर कि जो हमारी वर्षा रेखा है वो रह जाती है। तो इसके इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा एक और दो, इसे अपने दो भागों में बांट सकते हैं। ये तो रह गया हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और ये हमारा रह गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इस अर्ध मरुस्थलीय को भी अपने जो है चार भागों में बांट सकते हैं, गग्गर का मैदान है, शेखावटी वाला प्रदेश रह गया, नागौरी उच्च भूमि रह गई, और ये वाला जो है अपना लूणी बेसिन वाला हिस्सा रह जाता है। ये चार भागों में अपने बांटते हैं, ऊपर वाला ये गग्गर का मैदान, इसके बाद में शेखावटी का प्रदेश रह जाता है, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि है, और उसके बाद में जो है अपना लूनी बेसिन हो गया। दोस्तों यहाँ जो अपना शुष्क वाला है उसको अपने दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो जो अपना रह गया
मरुस्थलीय प्रदेश या बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश यानी जहाँ पर बालुका स्तूप नहीं होते हैं। तो ये दो भागों में अपनी बांटते हैं। तो इस प्रकार से इतना सारा मैटर जो है हमें वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर देखना है। तो यहाँ चलिएगा बात करते हैं सबसे पहले कि यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित थार के मरुस्थल का हिस्सा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका हिस्सा है, तो वो थार के मरुस्थलीय प्रदेश का ही हिस्सा है। और थार का जो मरुस्थल है वो टेथिस सागर का अवशेष है। तो इस प्रकार से ये जो हिस्सा अपना रह गया वो एक प्रकार से टेथिस सागर का ही अवशेष स्वीकार किया जाता है। अब हमें क्या पता कि यह टेथिस सागर का है या नहीं, तो इसके प्रमाण हमें कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे खारे पानी की झीलों का रेगिस्तान में पाया जाना। रेगिस्तान में खारे पानी की झील है तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं लवणीयता के कारण ही बनी हुई है जो कि सागर में होती है। इसके अलावा बाड़मेर में पेट्रोलियम के भंडार है दोस्तों, और पेट्रोलियम जो आपको मिलता है वो समुद्री तट पर मिलता है, इसलिए भी हो गया। इसके अलावा बाड़मेर में जलीय जीवों के अवशेष भी हमें मिलते हैं। अकलवुड फॉसिल पार्क भी आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, तो वहाँ से भी हमें कुछ इस प्रकार के वनस्पति और ये परिमाण मिलते हैं जिससे अपने मानते हैं कि ये जो है वो कहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर सागर हुआ करता था। तो टेथिस सागर का ही हिस्सा अपने इस भाग को मान करके चलते हैं। इसके बाद में आगे दोस्तों हम ये देखें कि थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो 61.11% है। ये आपसे पूछ लिया जाता है, यानी जैसे हमने ये बांटा था तो ये जो हमारा हिस्सा था ये पूरे क्षेत्रफल का कितना है, तो 61.11% पर है, जिसके ऊपर 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम देखें थार का जो मरुस्थल है वो विश्व में इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये जो है वो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला या सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है, तो वो थार का मरुस्थल कहलाएगा, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं पर विश्व में निवास करती है, इसलिए ये हमारे लिए जानना अनिवार्य हो जाता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है, भारत में जो रेगिस्तानी ब्लॉक बांटे गए हैं 142 हैं, उसमें से 85 ब्लॉक जो हैं वो राजस्थान में हैं, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की, जिसका हमने प्रारंभ में देखा था मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांट देती है। कौन कौन सा था दोस्तों, एक था पश्चिमी महामरुस्थल, महान मरुस्थल कह सकते हैं, या इसे अपने रेतीला शुष्क मरुस्थल कह सकते हैं, और दूसरा जो आएगा राजस्थान बांगर या फिर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इन दोनों को बांटने वाली कौन सी रेखा है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, यानी इससे इधर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इधर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम पहले भाग की बात कर लेते हैं, पश्चिमी महान मरुस्थलीय प्रदेश या रेतीला शुष्क मैदान अपने इसको कहते हैं। तो इसके जो विशेषताएं हैं, इसमें हिस्सा देख लीजिएगा कौन कौन सा था, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर का कुछ भाग इसमें शामिल हो गया, ऐसी कोई बॉर्डर लाइन तो है नहीं, लेकिन इनका कुछ एक का तो पूरा ही हिस्सा है, कुछ का काफ़ी हिस्सा इसमें शामिल है। इस भाग को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, एक तो मरुस्थलीय या बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा मुक्त प्रदेश, यानी जहाँ पर बालुका स्तूप होते हैं और जहाँ पर बालुका स्तूप नहीं होते हैं, इस प्रकार से दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप क्या होते हैं दोस्तों, तो रेत के जो टीले हैं उन्हें ही अपने बालुका स्तूप के नाम से जानते हैं। स्तूप यानी इस प्रकार के गुंबदाकार जो भी आकृति होती है जिसे अपने कह सकते हैं भूमि से ऊपर उठा हुआ इस प्रकार का भाग है। तो इस क्षेत्र में रेत के विशाल बालुका स्तूप में देखने को मिलते हैं, जो कि तेज हवाओं के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। दोस्तों अब ये कोई पहाड़ तो है नहीं कि एक जगह स्थिर रह जाएंगे, मिट्टी आती है तो इनका जब हवा आती है, आंधी आती है, तो इसमें अपरदन होता है, इसकी मिट्टी का अपरदन होता है, और ये बालुका स्तूप जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जगह को बदलते रहते हैं। तो यहाँ बालुका स्तूप जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं उसी आधार पर अपने देख लेते हैं। ये बिल्कुल फैक्चुअल मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये सारी डिटेल आपने पढ़ी भी होगी अच्छे से, यहाँ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपकी परीक्षा में ये काफ़ी ज़्यादा सहायक रहे। तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कौन से होंगे, ये हवा के विपरीत और पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं, इस प्रकार से आपको बने हुए मिलते हैं। तो ये कहाँ बनते हैं, पवनों की दिशा के समकोण पर मिलते हैं, और इस प्रकार के स्तूप आपको कहाँ मिलेंगे, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पूर्वी बाड़मेर और जालौर में देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको याद क्या रखना है, तो अनुप्रस्थ जो होते हैं ना वो समकोण पे होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अनुप्रस्थ कौन से होंगे, जो समकोण पर होते हैं। दूसरा आता है
देर बालुका स्तूप, ये कौन से, ये समानांतर होते हैं, ये आपको याद रखनी है। जैसे हवा चलती है उसी के समानांतर ये बने हुए होते हैं। इनकी जो लंबाई है वो अधिक होती है, ये समानांतर बनने के कारण ज़्यादा होते हैं, 3-4 किलोमीटर तक लंबे ये हो सकते हैं। ये कहाँ मिलेंगे आपको, जैसलमेर पश्चिमी बाड़मेर है ना, फिल्मों में जो भी आपने सैड सॉन्ग देखे होंगे वो उधर ही होते हैं, ज़्यादातर आपको यही मिलेंगे। तो अनुदैर्ध्य कौन से होंगे, समानांतर, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी दोस्तों। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ कौन से होंगे दोस्तों, समकोण पे हैं। यहाँ देखो इस नाम में स है ना, तो ये समकोण वाला हो गया, ये अनुदैर्ध्य है, इसमें जो है वो स नहीं है, तो ये बिना समकोण वाला है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे बात करें अपने, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बरखान या बरछान, ये तो बहुत बार पूछ ही लिया जाता है, बरखान है क्या, तो ये भी एक प्रकार के रेत के टीले ही होते हैं दोस्तों, लेकिन इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। इन्हें अपने स्थानांतरित टीले भी कहते हैं, स्थानांतरण वाले टीले भी कहते हैं। ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं क्योंकि ये अपनी जगह सबसे ज़्यादा बदलते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे प्रकार के टीले हो सकते हैं, आकृति स्टार बालुका स्तूप है, सीफ है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे जैसे आकृति बनेंगी। लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके ज़्यादातर इन्हीं तीनों में से आने की संभावना रहती है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में कि सारे के सारे जो टीले हैं वो आपको जोधपुर में देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईर्ग, कुछ शब्दावली है। ईर्ग क्या होती है दोस्तों, जहाँ पर संपूर्ण जगह आप देखें तो आपको रेत ही रेत दिखाई दे, ये अरबी वर्ड है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, संपूर्ण जगह अगर आपको रेत ही रेत दिखाई दे रही है, संपूर्ण रेतीला है, कहीं कोई कंकर पत्थर कुछ भी नहीं है, पहाड़ नहीं है, तो वो ईर्ग कहा जाता है। हमादा कौन सा होगा दोस्तों, पथरीला मरुस्थल जो हो गया उसे अपने हमादा कहते हैं, यानी राजस्थान में जिसे अपने बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से पथरीले के अंदर अपने मान लेते हैं, हमादा भी उसका नाम आता है। एक आता है रेग, और रेग से ही बना हुआ है रेगिस्तान शब्द, है ना, रेग यानी मिश्रित मरुस्थल हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर कंकड़ पत्थर युक्त मरुस्थल भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों वैसे तो अगर अपने कहें कि रेगिस्तान या मरुस्थल जो शब्द है, हिंदी में तो कई हो गए, मरुस्थल यानी रेत वाला है ना, लेकिन इंग्लिश में एक ही आता है डेजर्ट, और डेजर्ट का मतलब होता है जहाँ जो है औसत वार्षिक वर्षा आपके 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे अपने जो है रेगिस्तान कहा करते हैं, डेजर्ट के रूप में देखते हैं। ये हॉट भी होता है, कोल्ड भी होता है, लेह लद्दाख का जो एरिया है वो कोल्ड डेजर्ट के अंदर आता है, ये वर्षा से रिलेटेड है दोस्तों। तो रेग को आपको याद रखना है, ये मिश्रित वाला होता है। धोरे किसे कहते हैं दोस्तों, रेत के बड़े बड़े बालुका स्तूप जो होते हैं उन्हें अपने धोरे कहते हैं। धरियन ये याद रखना, ऐसे ये शब्दावली बहुत आती है परीक्षा में, धरियन किसे कहते हैं, स्थानांतरित जो बालुका स्तूप है उन्हें अपने धरियन कहते हैं। दोस्तों स्पीड आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन अभी आपका इतना पकड़ हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा नज़दीक है, इतना नहीं करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर मुझे टाइम पास करना है तो फिर मैं आराम से इसको 2 घंटे में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। जो परीक्षा की पद्धति है उसी के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। मरहो ये याद रखिएगा, मरहो किसे कहते हैं, अपने जटिल बालुका स्तूप युक्त स्तूपों की जो कतार होती है उसकी निचली भूमि जो वर्षा से जल से भर जाती है ना, मरहो कहते हैं। जैसे बालुका स्तूपों की जो कतार है उसके बीच में जो निचली भूमि है वर्षा से भर जाएगी, तो उसे अपने मरहो के नाम से जानते हैं। खड़िन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेत के जो टीले हैं उनके मध्य वर्षा का जल भर गया, जब खड़ियन का जल सूख जाता है तो वहाँ पर मृदा में नमी बनी रहती है, उस भूमि पर कृषि की जाती है। जैसे मान लीजिएगा ये रेत के टीले हैं, उनके बीच में वर्षा का पानी तो मीठा ही होता है, ये कुछ दिन जमा रह गया, तो ये जो इसमें देखिए सूख गया, ऊपर वाला जल तो सूख गया लेकिन मिट्टी जो है नम बनी हुई है, तो उस पर खेती की जाए, तो ऐसे खेती को अपने खड़ियन कृषि के रूप में देखते हैं। इसकी जो प्रारंभ अपने पाली वालों से मान करके चलते हैं, 15वीं सदी में सर्वप्रथम इनके द्वारा खड़ियनों का निर्माण किया गया था। इसके बाद में दोस्तों पलाया झील अपने किसे कहते हैं, ये होती है अस्थाई खारे पानी की झीलें। पलाया झील कौन सी होती है, अस्थाई खारे पानी की झीलें होती हैं। राजस्थान में इन्हें ही रण और टाट के रूप, जैसे पोकरण है ना, पोकरण में रण है, तो ये याद रखा करो दोस्तों। जैसे है ना रावत सर, राजिया सर है ना, जिसके भी आगे सर लग जाता है, यानी वहाँ पर तालाब है, जो रेगिस्तान में जो तालाब बनते हैं, जो वर्षा से तालाब बनते थे उन्हें अपने सर कहा करते थे, जहाँ पर भी ये होगा वहाँ कभी ना कभी कोई सर था दोस्तों। तो अस्थाई जो खारे पानी की झीलें बनती हैं रेत के टीलों के मध्य, उन्हें ही रण या टाट के रूप में देखते हैं।
आगे देखिएगा रन, रन को और देखिए डिफाइन करें अपने कि राजस्थान में मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्न भूमि को रन या टाट कहते हैं, जैसे थोब है, बाप है और पोकरण है, ये आगे डिटेल में अपने देख रहे हैं। तो मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्न भूमि जिसमें जल भर जाए तो प्लाया झीलों के रूप में देख लेते हैं, तो ये जो भूमि है ना ये रन या टाट कहलाती है, जैसे पोकरण है, थोब है, ये सारे इसी श्रेणी में आते हैं। अब देखिए एक वर्ड आता है शब्दावली में ही, रेगिस्तान का मार्च। ये क्या होता है दोस्तों? रेगिस्तान का जो धीरे धीरे आगे खिसकना है, यानी रेगिस्तान का आगे से आगे प्रसार होना ही क्या कहलाता है, वो देखिए रेगिस्तान के मार्च के रूप में जाना जाता है। इसके लिए जो प्रसिद्ध है वो राजस्थान का जो नाचना गाँव है, जैसलमेर का है, नाचना गाँव काफी ज्यादा फेमस है। फिर हम बात करें आगोर, आगोर क्या कहलाता है दोस्तों? दोस्तों प्राचीन काल में मरु प्रदेशों में घरों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए टांके बनाए जाते थे, इस तरह के टांके होते थे, यहाँ से जल इनमें आता था, तो उसके अंदर जो इसे ही स्थानीय भाषा में अपने क्या कहते थे, आगोर के नाम से जानते थे। इन्हीं से संबंधित शब्द है अपना, जो टांके हैं इन्हीं से संबंधित शब्द हैं आगोर। नेहड़, नेहड़ अपने किसको कहते हैं दोस्तों? नेहड़ सामान्य भाषा में जल का समुद्र होता है। नेहड़ का अर्थ क्या हो गया? जल का समुद्र। तो राजस्थान के बाड़मेर और जालोर में समुद्र का जल भरा रहता था, इसलिए वो क्षेत्र जो है वो नेहड़ के रूप में जाना जाता है। भमूलिया, भमूलिया किसे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको भमूलिए मिल जाएंगे, छोटे जो चक्रवात है, स्थानीय भाषा में चक्रवात को ही जो छोटे रूप के चक्रवात होते हैं, थोड़ी देर आपको थोड़ी दूर चलते हुए दिखाई देंगे फिर खत्म हो जाते हैं, उन्हें अपने भमूलिया के नाम से जानते हैं, गर्मियों में देखने को मिलेंगे। नाड़ी, नाड़ी क्या होती है? एक पोखर होता है जिसमें वर्षा का जल संचित रखा जाता है, तालाब, तालाब नुमा हो गया जिसमें वर्षा का जल संचित रखा जाता है। ये शब्दावली आपको हर किताब में हो सकता है, किसी अन्य रूप में देखने को मिल जाए, कुछ अलग शब्दावली चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, यानी नाड़ी वह पोखर जिसमें वर्षा का जल संचित रखा जाता है। टोबा, टोबा क्या होता है दोस्तों? नाड़ी के समान ही होता है लेकिन उससे थोड़ा सा गहरा होता है। बावड़ी, बावड़ी देखिएगा, रामदेव जी की बावड़ी आपने देखी होगी, सीढ़ीदार ऐसे नीचे कुआं होता है, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं, तो उसे अपने जो है बावड़ी के रूप में देखते हैं, होता एक प्रकार का कुआं ही है। कुई, कुई क्या कहलाएगी दोस्तों? इसका निर्माण तालाब के पास में किया जाता है, ये 10 से 12 मीटर तक गहरे हो सकते हैं, इन्हें बेरी भी कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा कोई तालाब है, तो हमें ये पता है जल अगर नीचे जा रहा है तो इधर उधर फैलता भी है ना, नीचे से नीचे इसका प्रसार यहाँ तक हो सकता है, भूमि में जल जाता है, तो इस कारण यहाँ पर 10-20 मीटर गहरा तक जो गड्ढा या जिसको अपने कुई रूप में बना लेते हैं उसे बेरी के नाम से भी जानते हैं। तल्ली, तल्ली क्या कहलाता है दोस्तों? तल्ली का मतलब होता है बालुका स्तूपों की देखिए निम्न भूमि, जैसे तल्ली आगे ताल या तल्ली शब्द आपने सुन रखे होंगे दोस्तों। बालसन, बालसन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मरु प्रदेश का वह भाग जो पर्वतों और चट्टानों से घिरा होता है। देखिए क्या कहा हमने, मरुस्थल का कोई भाग है जिसमें पर्वत आ गए और चट्टान आ गई और उनके मध्य अगर जल भरा हुआ है, तो ऐसा जो स्थल है, ऐसा जो झील या बेसिन है, उसी को अपने बालसन के रूप में देखते हैं, यानी रेगिस्तान के अंदर पहाड़ों और चट्टानों के बीच में जो बनी हुई झील है। देखिए लाठी सीरीज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा के सारे सारे राजस्थान में जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोकरण के मध्य ये एक जल पट्टी बनी हुई है दोस्तों, अवसादी चट्टानों का ये समूह है और यहाँ पर 80 मीटर लंबी है, ये 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी एक भूगर्भीय जल पट्टी मिली है, जिसे काजरी ने लाठी सीरीज का नाम दिया था। किसने दिया था दोस्तों? काजरी इसे लाठी सीरीज का नाम देती है, 2007 की ही बात है। तो यहाँ पर देखिएगा किस लिए फेमस है, एक तो अपने इससे जो है सरस्वती के प्रमाण के रूप में भी देख लेते हैं कि मीठे पानी के जिले, मीठे पानी का स्थान यहाँ पर कैसे हो गया, यहीं आपको वो है देखिए चंदन नलकूप की भी स्टोरी यहीं से मिलती है। ये देखिएगा धामण यानी जो अपना सेवन घास है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है, क्योंकि जब देखिएगा बारिश होती है, बारिश होती है तो फिर यहाँ पर जो उमावट होती है उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है दोस्तों। तो ये जो स्थल है हमारा वो किस रूप में जाना जाता है, वो जो स्थल है वो लाठी सीरीज के रूप में जाना जाता है दोस्तों। बात करते हैं आगे अपनी, अगला जो हमारा प्रश्न जो मुख्य बात रह जाती है वो है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, जैसा हमने ये कहा था, जैसे ये हमारा राजस्थान था, तो यहाँ पर देखिएगा
एक ऐसा शुष्क वाले भाग में थोड़ा सा भाग जो जो हमारा रह जाता है, जिसमें मोहनगढ़, फरोदी और बालोतरा के बीच की जो भूमि रहेगी उसमें बालू का स्तूप नहीं है, तो ऐसी जो भूमि है उसे अपने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के रूप में देखते हैं। ये जो स्थल है वो परतदार चट्टानों से ढका हुआ है और ये टर्शियरी काल में प्लिस्टिनो काल तक की चट्टानें हैं। ये देखिए चट्टानें हैं यानी हमादा है, ये हमने पीछे भी देखा था, और इसमें कई प्रकार के जुरासिक काल के वनस्पति और जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो यहीं पर है। फॉसिल का मतलब जीवाश्म से होता है दोस्तों। तो हम ये कहें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी ऐसा जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ऐसा भूभाग है जहाँ पर चट्टानें हैं और उसे हमादा भी कहते हैं। वो टर्शियरी काल की चट्टानें भी आपको वहाँ मिलेगी, प्लेस्टोसीन काल की चट्टानें भी वहाँ पर मिलते हैं। इसके बीच के पीरियड की सभी चट्टानें यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर जो जुरासिक काल था उस काल की वनस्पति और जीवाश्म यहाँ देखने को मिलते हैं, जो अकलवुड फॉसिल पार्क में है। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय अर्ध शुष्क प्रदेश के विषय में। पहले तो देखिएगा बांगर प्रदेश कौन सा होता है। जैसे मान लीजिएगा ये नदी इस तरह से बहती थी, अब किसी कारण से इस नदी ने अपना रास्ता परिवर्तित कर लिया, यहाँ से परिवर्तित कर लिया। अब ये यहाँ पर तो पहले मिट्टी जमा होती रहती थी, जब नदियाँ आती थी तो नई मिट्टी लाती थी, लेकिन अब नहीं लेकर के आती, तो इस प्रकार से ये मिट्टी जमा होती रहती है और ये कठोर भी हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। तो ऐसा जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बांगर, यानी जहाँ पर हर साल बाढ़ से नई मिट्टी आती रहती है वो तो कहलाएगा खादर, और जहाँ पर नहीं आती यानी यहाँ पर नहीं आती है तो वो कहलाएगा बांगर। तो ये सामान्य भाषा में अनुपजाऊ मैदान को ही हम किस रूप में देखते हैं, बांगर के रूप में देखते हैं। इसे भी अपने चार भागों में बांट सकते हैं, जैसे हमने बात की थी एक गगर का मैदान है, शेखावाटी प्रदेश है, और नागौरी उच्च भूमि है, और लूणी बेसिन है, जैसे हमारा ये वाला हिस्सा रह जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आया अपना गगर का मैदान, फिर आएगा शेखावाटी प्रदेश दो नंबर वाला, फिर आएगा अपना छोटा सा हिस्सा जो नागौरी उच्च भूमि का है तीन नंबर, और फिर आएगा अपना लूणी बेसिन जो लूणी नदी का क्षेत्र रह जाता है, ये चौथा भाग अपना आता है। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने गगर के मैदान को देख लेते हैं। विशेषतः गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का जो नाम है इसमें आता है। ये जो बना हुआ है मैदान, देखिए नदियों से ही बनता है, तो गगर नदी से बना हुआ ये क्षेत्र है, शिवालिक से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से ये जलोढ़ मिट्टी अपने साथ लेकर के आती है, वो यहाँ पर बिछा देती है जिससे ये बना हुआ है। और यहाँ की जो प्रमुख समस्या है वो है सेम की, तो नहरें वगैरह बनी हुई हैं, इसलिए कई बार यहाँ पर नमी ज़्यादा हो जाती है, पानी नीचे नहीं जा पाता चुने की परत होने के कारण भी, तो पानी जमा रहने के कारण जो है वो भूमि खराब हो जाती है, जिसे अपने सेम के रूप में देखते हैं। तो सेम के कारण यहाँ की काफ़ी भूमि जो है वो बंजर हो रही है। और गगर नदी का जो पार्ट है उसको नाली कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। इसी का उत्तर पूर्वी उपजाऊ मिट्टी का जो क्षेत्र है उसे बग्गी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान हनुमानगढ़ में टिब्बी के जो पास का जो साइड है, टिब्बी गांव जो है वहाँ के पास का जो हिस्सा रह गया, टिब्बी के पास का हिस्सा जो है उसे अपनी बग्गी कहा करते हैं स्थानीय भाषा के अंदर, टिब्बी तहसील के पास में जो है। इसके बाद में अपने बात करते हैं दोस्तों शेखावाटी प्रदेश के विषय में। जैसा आप इतिहास में भी पढ़ते हैं शेखावाटी में सीकर चूरू झुंझुनू आते हैं, इसमें नागौर का थोड़ा सा हिस्सा अपने ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रवाह इस स्थान की जो मुख्य नदी है वो कौन सी रहेगी, कांतली नदी रह जाती है। शेखावाटी प्रदेश में घास के मैदान को स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं, बहुत बार प्रश्न आता है बीड़ क्या होता है, दोस्तों घास का मैदान है स्थानीय भाषा में कहते हैं, और ये शेखावाटी प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पर जो कच्चे कुएँ हैं उसे जोहड़ कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। नागौरी उच्च भूमि, तो देखिएगा लूणी बेसिन यानी शेखावाटी प्रदेश के मध्य नागौर जिले के ऊपर उठी हुई भूमि को अपने नागौरी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें आपको मिल जाएगी। इसी प्रदेश में कैसी तत्व प्रणाली से नमक तैयार होता है, दोस्तों नमक खारे पानी की झीलें होंगी वहीं पर नमक ज़्यादा होगा। यहीं पर है हरे कबूतरों का क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और सरिस्का अभ्यारण्य भी अपने इधर ही देख करके चलते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में हरे कबूतरों का जो क्षेत्र है, एक तो नागौरी उच्च भूमि और दूसरा जो है वो सरिस्का अभ्यारण्य है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें थी जो इनके विषय में हमने देखी। आगे अपने लूणी बेसिन के विषय में बात कर लेते हैं। लूणी बेसिन यानी जो लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखिए नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर ये सारे इसमें शामिल है। 56 की पहाड़ियाँ जो हैं वो बाड़मेर में ही, वो भी इसी क्षेत्र में आती हैं। लूणी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे गोड़वार क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गोड़वार क्षेत्र किसे कहते हैं, तो लूणी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे ही अपने गोड़वार प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। बाड़मेर और जालौर के किसान रबी की फसल बोते हैं, जिसे सेवज कहा जाता है। कुछ एक फैक्ट है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन ही मान लीजिएगा इनको आप,
लूणी नदी का पास जो क्षेत्र है उसे रेल या फिर नाडा भी कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों आगे अपने बात कर लेते हैं कुबड़पट्टी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। कुबड़पट्टी किसे कहते हैं? नागौर और अजमेर के मध्य का भूभाग है दोस्तों, जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण दांत भी खराब हो जाते हैं और हड्डियाँ बहुत खराब हो जाती हैं कि लोग आपको कुबड़े देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे अपने कुबड़पट्टी के नाम से भी जानते हैं। बाप बोल्डर बेड, ये क्या है दोस्तों? जोधपुर के बाप गाँव में अर्धचंद्राकार चट्टाने हैं जो परमो कार्बोनिफेरस समूह की है, बाप बोल्डर बेड के नाम से जानी जाती है। इस पर हिमानी युग यानी उस समय भी ये हुआ करता था, हिमानी युग के चिन्ह भी आपको देखने को मिलते हैं। रोही किसे कहते हैं? रोही जो होता है दोस्तों अरावली की ओर का जो हरियाली वाला क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय प्रदेश में, जैसे हमने ये अभी बात की थी ना, जैसे मान लीजिएगा ये अपना राजस्थान रह गया, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना यहाँ पर, क्योंकि ये है तो सारा मरुस्थलीय प्रदेश के बाद, लेकिन यहाँ पर जो देखिए अरावली की ओर का हरियाली वाला जो पट्टीनुमा क्षेत्र है उसे अपने रोही के नाम से जानते हैं। पालर पानी, पालर पानी कौन सा होता है दोस्तों? बारिश का जो पानी होता है उसे अपने पालर पानी के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में टांका या तालाब में वर्षा जल के एकत्रित होने पर स्थानीय भाषा में उसे पालर पानी कहते हैं ना, शुद्ध होता है, अच्छा पानी होता है दोस्तों। तेलिया पानी, पालर पानी वो था, तो तेलिया पानी कौन सा जिसमें तेल होगा क्या? नहीं, सिंचाई हेतु प्रयुक्त होने वाले जल में जब हाइड्रोकार्बन की अधिकता हो जाती है तो उसे अपने स्थानीय भाषा में तेलिया पानी कह देते हैं। त्रिकाल पड़ा था दोस्तों राजस्थान में 1899 से 1900 विक्रमी संवत में, यानी 1956 में ये पड़ा था, और इसीलिए अपने ये जो त्रिकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्न जल और घास का ये क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों अपने मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश या फिर अरावली की पहाड़ियों के विषय में। दूसरा जो हमारा हिस्सा था, जैसे हमने अभी ये देखा था राजस्थान को, तो ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एक नंबर हमने देख लिया था, ये जो अरावली का प्रदेश है इसे अपने देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है ये, है ना, इसकी उत्पत्ति हुई थी 360 मिलियन वर्ष पहले, कौन से युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है काफ़ी बार। ये किसके समकालीन है दोस्तों? तो ये अप्लेशियन जो पर्वतमाला है उसके समकालीन ये मानी जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसके समकालीन है दोस्तों, तो ये अप्लेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, अवशिष्ट यानी घिसा पिटा, यानी उसका अधिकतर हिस्सा जो है समाप्त हो चुका है और अवशिष्ट रूप में बचा हुआ है। उत्पत्ति के समय इसकी ऊंचाई 2700 मीटर थी दोस्तों, लेकिन वर्तमान में जो है इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई की अगर अपने बात करें तो 930 मीटर है, जो समय 2700 मीटर होती थी, यानी अवशिष्ट रूप में अब ये इतनी ही रह गई है। अरावली प्रदेश जो है राजस्थान के 9% भाग में मानते हैं, जिसपे लगभग 10% जनसंख्या हमारी निवास करती है, पहाड़ी भाग है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए इस प्रदेश की मुख्य मिट्टी कैसी है, तो लाल, भूरी और कंकरीली है। अरावली को आड़ाहुल्ला भी कहते हैं, परिपत्र, एपोकोपी, मोडिसपेमा, एपेलांटी आदि के नाम से भी जाना जाता है, इसके उपनाम है। अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है चोटियों की एक पंक्ति। अरावली को अदावेटा या फिर आडावेटा भी कहते हैं दोस्तों, अब ये नाम तो खराब हो गया दोस्तों, इंग्लिश में था, छोड़िएगा इसको। भूगर्भिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा, अगर आपसे पूछा जाए भूगर्भिक दृष्टि से जो अरावली है वो किसका हिस्सा है, तो वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जिसकी उत्पत्ति 600 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन कल्प के अंदर, युग के अंदर हुई थी। अरावली की कुल मात्रा जो भारत में है, लंबाई की मात्रा जो है वो 692 है, लेकिन राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर, यानी 80% है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, राजस्थान में कितनी है? 550, और कुल कितनी है? 692। अरावली का उद्गम जो होता है सुदूर दक्षिण अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकाय द्वीप से माना जाता है दोस्तों, और इसीलिए अरावली जो है उसका पिता अरब सागर को कहा जाता है, इसका उत्पत्ति तो अपने वहां से मान करके चलते हैं दोस्तों। भारत में अरावली का जो विस्तार है वो पालनपुर, खेड़ब्रह्म, गुजरात से रायसेना हिल्स दिल्ली तक अपने इसको देख सकते हैं, जहाँ पर दिल्ली के अंदर जाके छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, लगभग टीले के रूप में ही देखने को मिलता है आपको, है ना। राजस्थान में अरावली का विस्तार सिरोही से खेतड़ी और झुंझुनू तक है। राजस्थान में कहा सिरोही से लेकर के ऊपर जाएंगे तो खेतड़ी झुंझुनू तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। राजस्थान में इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ये याद रखिएगा ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है अरावली राजस्थान को
50 सेंटीमीटर वर्षा के रूप में दो भागों में बांटती है, इसलिए इसे भारत की महान जल विभाजक रेखा भी स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका विस्तार किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अब देखिएगा, अरावली को भी अपने तीन भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली की बात करें तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिएगा ये हमारी अरावली है, ये उत्तरी हो गई, ये मध्य हो गई और ये दक्षिणी वाली हो गई। तो उत्तरी अरावली रायसीना हिल्स यानी दिल्ली से लेकर के सांबर झील तक का प्रिंस को विस्तृत मानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई देखिएगा दोस्तों 450 मीटर तक है। इसका निर्माण क्वार्टजाइट और फाइलाइट सेलों से हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी है, रघुनाथ गढ़ी है जो कि सीकर में है, 1055 मीटर अपने इसकी ऊंचाई मानते हैं। फिर अपनी बात करते हैं मध्य अरावली की, ये अजमेर से टाटगढ़ तक है। अजमेर मध्य अरावली बहुत ही छोटा सा ये अपना क्षेत्र इसका रह जाता है, इतना सही है, टाटगढ़ तक है। इसके इस भाग में पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 700 मीटर है, काफ़ी कम हो जाती है दोस्तों ना, जबकि घाटियों की औसत ऊंचाई 550 मीटर तक है। इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। यहाँ पर आपको संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इनके बीच में जो जैसे पहाड़ियों के बीच में गैप जो है वो यहीं सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि गैप कहाँ पाया जाता है। इस भाग की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है अपने मोराम जी को मान करके चलते हैं। इसका केंद्रीय भाग कौन सा है दोस्तों, इस भाग का अगर अपनी बात करें तो वो तारागढ़ है। फिर अपनी बात करते हैं दक्षिणी अरावली की, इसका जो विस्तार है टोडगढ़ से लेकर के गिरनार तक है। कहाँ तक है, गिरनार तक, नीचे तक चला गया। ये अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, यानी नीचे से तो ये ऊंची है, ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो खत्म होती चली जाएगी। इसकी औसत ऊंचाई यहाँ पर 1000 मीटर तक है। इस क्षेत्र राजस्थान की सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर है दोस्तों। इस पूरे क्षेत्र की और अगर अपने कहें राजस्थान की सर्वोच्च चोटी तो वो कौन सी रहेगी, गुरु शिखर 1722। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। अरावली को चार भागों में बांटते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में अपने अरावली को इन चार भागों में भी बांट करके देखते हैं, कौन कौन से हैं। ये तो हमने पीछे जो देखा वो भारतीय स्तर पे देखा, राजस्थान में बात करें तो एक आता है हमारे पास में कभी कभी, इसीलिए कभी कभी आपने कई किताबों में चार भाग लिखे हुए देख रखे हों। तो माउंट आबू ब्लॉक जो है ये सिरोही में विस्तृत है और ये सबसे ऊँचा भाग आ गया। फिर मेवाड़ की पहाड़ियाँ, ये मेवाड़ में रहेंगी, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, पाली में ये विस्तृत है। यहाँ पर सर्वाधिक विस्तार इसी एरिया में रह गया, उदयपुर में सर्वाधिक विस्तृत है। जरगा जो पर्वत है उसकी ऊंचाई 1431 मीटर, रागा दरगाह आपने पढ़ा होगा दोस्तों। यहाँ मेरवाड़ा की अगर अपने बात करें तो अजमेर से रावली टाटगढ़ तक ये विस्तृत है, ये विश्रृंखलित है। गोरम जी की ऊंचाई जो है यहाँ पर 933.5 मीटर है, गोराम जी यहाँ की एक ऊंची चोटी अपने मान सकते हैं। उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, ऊपर वाला हिस्सा ये हमारा रह गया, ये द्विशाखित श्रेणी है। रघुनाथ गढ़ी है यहाँ की एक चोटी जिसकी 1055 मीटर ऊंचाई की चोटी अपने मानते हैं। अरावली का पूर्वी भाग नतोदर और पश्चिमी भाग जो है उन्नतोदर है, यानी उधर जो है ढाल कम है और इधर पश्चिम में ज़्यादा है दोस्तों। पश्चिम में कम है और जबकि पूर्व में ज़्यादा देखने को मिलती है आपको। आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ अपनी बात कर लेते हैं, अरावली के पूर्वी भाग में अधिक जैव विविधता है। अगर अरावली के पूर्वी भाग में बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता यानी जैव जंतु जो है उसकी सबसे ज़्यादा वेराइटियाँ पाई जाती हैं, उसे ही अपने जैव विविधता के नाम से जानते हैं। देखिएगा मेवल किसे कहते हैं, कुछ एक शब्दावली है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो पहाड़ी भाग है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य का पहाड़ी भाग है उसे अपने मेवल के रूप में जानते हैं। गिरवा क्या है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। उदयपुर जो शहर है उसके चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं वही गिरवा कहलाती हैं और इसी कारण से यहां पर झीलें बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए इनसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। देशरो कौन सा है दोस्तों, एक देखिएगा रागा चोटी है और एक जरगा पर्वत है, इन दोनों के मध्य विस्तृत हमेशा हरा भरा रहने वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को अपने देशहरो के नाम से जानते हैं। ये एक रागा ले लो और ये एक जरगा पर्वत ले लो, है ना, जिसके विषय में भी हमने बात की है। भाकर प्रदेश कौन सा होगा, सिरोही जिले के उत्तर पूर्वी भाग में छोटी छोटी कटकनुमा जो पहाड़ियां हैं तिखी पहाड़ियों के रूप में अपने देख सकते हैं, उसे अपने भाकर के नाम से जानते हैं, जैसे रोजा भाकर हो गई, है ना। राजस्थान के प्रमुख पठारों को भी देख लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ पठार कौन सा हो गया, जो जिसकी चोंच नहीं है, इस तरह से फैला हुआ जो भाग रह गया, जमीन से तो ऊपर ही होता है, उड़िया का पठार। ये कहाँ है, सर्वोच्च पठार है, गुरु शिखर से 160 मीटर नीचे, इसलिए वहीं होगा ना, गुरु शिखर है माउंट आबू के साइड में, ये रह गया दोस्तों।
आबू का पठार ये 1380 मीटर है, अचलगढ़ दुर्ग इसी पर स्थित है दोस्तों। भूमट का पठार, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम में उदयपुर और अंशतः सिरोही में ही ये विस्तृत है और भगत आंदोलन का ये क्षेत्र रहा था। भूमट का भील आंदोलन भी आपने सुना होगा। भोराट का पठार ये बहुत बार पूछा जाता है, गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ तक का जो क्षेत्र है उसके बीच में जो पठार विस्तृत है उसे अपने भोराट का पठार के नाम से जानते हैं। लसड़िया का पठार कौन सा है दोस्तों? उदयपुर जो है उसके उत्तर पूर्व में जयसमंद झील तक जो कटा फटा पठार है, यानी उदयपुर के उत्तर पूर्व भाग में जयसमंद, यानी ये उदयपुर में ही रह गया। लसड़िया का पठार कहाँ रह गया? उदयपुर में ही। ऊपरमाल का पठार बहुत बार आता है दोस्तों परीक्षा में, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया का जो भाग है ऊपरमाल का पठार है दोस्तों, ये हमने शायद उसमें हिस्ट्री में भी देखा था। मेसा का पठार, मेसा का पठार कौन सा होता है दोस्तों? ये नदियों द्वारा निर्मित पठार होता है, जैसे नदी किसी भूमि को काट देती है और उसकी आकृति इस प्रकार की रह जाए मेज की तरह, तो इस पर जो है चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है मेसा का पठार पर। मानदेसरा का पठार ये भी चित्तौड़गढ़ में है और इस पर भैंस रोडगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है। धोराजी का पठार चित्तौड़गढ़ में है, बीजासन मंडलगढ़ में है और इसके बाद में अरावली के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन अपने स्थान के हिसाब से इनकी बात करें तो उदयपुर में केवड़ा के नाल है, फुलवारी के नाल है, नाल दर्रे को ही कहते हैं ना, जो पहाड़ होते हैं उनके बीच में से निकलने का जो रास्ता होता है, जैसे केलवा के नाल है, ये सारे उदयपुर में है। अजमेर में परवेरिया है, गोरम घाट है, सूरा घाट है, हाथी घाट दर्रे हैं। राजसमंद में जीलवाड़ा किनाल है, पगलिया किनाल है, खामली घाट है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन ही आते हैं कि पगलिया किनाल कहाँ है ना। आगे तो अपने इसमें और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो आप शायद आपको वहाँ पर अच्छे से करवाया भी गया होगा, लेकिन अभी इतना ही ओवरव्यू के रूप में अपने देख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर रहे हैं रिविजन क्लास में। इसके बाद में प्रमुख पहाड़ियों की अगर अपने बात करें, राजस्थान में देखिए राजसमंद के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ? खमनौर की पहाड़ियाँ, बिजराल की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ, हेमकूट और नील हेमवंत की पहाड़ियाँ जो है ये राजसमंद में रहेगी। जयपुर में नाहरगढ़ की है, खालीकोह की पहाड़ियाँ और बैरठ की पहाड़ियाँ हैं। सीकर में रघुनाथगढ़, हर्ष की पहाड़ी, चीनी माता की पहाड़ी है। अजमेर में तारागढ़ और नाग पहाड़ी है। झुंझुनू में पालखेत की पहाड़ियाँ हैं और लोहारगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। जालौर में देखिए भाकर का क्षेत्र रहेगा ना, रोजा भाकर, इसराना भाकर, कनका चल, सुंडा पहाड़ी, सुंडा पर्वत का नाम आपने काफ़ी सुना होगा ना, सुंदा माता, जसवंतपुरा ये हैं। पाली में सारण की पहाड़ी है, नानी सिरडी की पहाड़ी भी यहीं पर मौजूद है। ये आपको कुछ एक पहाड़ियाँ हैं, अगर डीपली क्वेश्चन दे तो यहाँ से वो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। पीडीएफ आपको मिल ही रही है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी तो उससे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों अरावली के सर्वोच्च शिखर की अपने बात करें तो गुरु शिखर है, सर्वोच्च है, कन्नट रोड इसे संतों का शिखर भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब वो गए थे तो वहाँ पर बहुत सारे संत तपस्या कर रहे थे इसलिए कह दिया। इसके बाद में आती है शेर, 1697 मीटर है, सिरोही में ही है। फिर आती है देलवाड़ा, ये भी सिरोही में है। जरगा उदयपुर में है। अचलगढ़ सीकर में है। रघुनाथगढ़ी सीकर में है दोस्तों। ये कुछ एक प्रवचनीय है जिसको आपको याद रखना है, ये कई बार सीक्वेंस में भी पूछ लेता है। इसके बाद में दोस्तों अगले भाग पे आते हैं, अपने तीसरा जो भाग है राजस्थान का पूर्वी मैदान है ना, जिसको अपने पढ़ रहे थे। ये अरावली तक अपने देख चुके थे, यहाँ पठारी प्रदेश आ गया, हड़ौती का पठार, ये वाला जो अपना हिस्सा बाकी रह गया उसे पूर्वी मैदान के रूप में देखते हैं। और मैदान जो है वो देखिएगा दोस्तों नदियों से ही बना हुआ होता है दोस्तों। पूर्वी मैदान राज्य के 23% भाग पे है, जिसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व यहाँ ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है तो पूर्वी मैदान आएगा। इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है दोस्तों। किधर है इसका ढाल? पूर्व की ओर। इसमें देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं, माही है, बनास है, चंबल है, ये सारी है जो इन सारी नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाई गई है जिससे बना हुआ ये हमारा पूर्वी मैदान है। यानी यहाँ आपको पढ़ना है माही का मैदान, बनास का मैदान, चंबल का मैदान। इन नदियों के बेसिन के आधार पर अपने इनको ये नाम भी दे सकते हैं दोस्तों। पूर्वी मैदान को हमने इसी आधार पर तीन भागों में बांटा है, जिसमें मध्य माही का मैदान है। तो माही का मैदान ये नीचे वाला जो हमारा हिस्सा रह गया, यहाँ पर हिस्सा रह गया, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ शामिल होते हैं। ये लाल जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और कौन सी फसल के लिए उपयोगी है तो मक्का के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। फिर अपने बात करते हैं बनास बेसिन की, तो ये मुख्यतः भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में विस्तृत है। कहाँ कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में है, अजमेर में है, टोंक में है, सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? भूरी मिट्टी। कई बार ऐसा पूछ लेता है ना बनास बेसिन में मिट्टी कौन से कलर की है, कौन सी मिट्टी है। फिर अपने बात कर लेते हैं बाणगंगा करौली का मैदान। बाणगंगा मैदान कहाँ है दोस्तों? जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर में विस्तृत है। यहाँ की जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जो है वो यहीं पर है।
फिर हम बात कर लेते हैं कांठल की। कांठल कौन सा हो गया दोस्तों, ये बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है ना, जो प्रतापगढ़ रियासती क्षेत्र में भी ये नाम उपयुक्त हुआ करता था, बोलते थे इसको। कांठल का अर्थ होता है किनारा, यानी माही नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र रहेगा उसने उसको कांठल के नाम से जानते हैं। इसी में आता है 56 दिन नालों का क्षेत्र है, 56 गाँवों का समूह, जिसे अपने 56 का मैदान के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा शहर के मध्य है। खेराड़ प्रदेश है ना, जैसे माल खेराड़ी है, अपने नाम सुने होंगे। बिजोलिया से देवली, और देखिए बिजोलिया से देवली टोंक के बीच में विस्तृत उल्टे जहाज की आकृति जैसा अनियमित प्रवाह वाला जो क्षेत्र है उसे अपने खेराड़ के नाम से जानते हैं। माल खेराड़ क्या हो गया दोस्तों, ऊपर माल और खेराड़, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि बेंसरूटगढ़ से देवली और टोंक के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, माल खेराड़ कहलाता है। ऊपर माल के साथ में खेराड़ को जोड़ दीजिएगा। पीडमांट का मैदान किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे पहाड़ है तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, पहाड़ी के तलहटी में निर्मित कंकर पत्थर युक्त उच्च टीला नुमा भूभाग जो होता है उसे अपने पीड़बांट के नाम से जानते हैं। ये कहाँ है राजस्थान में, तो राजसमंद में देवगढ़ के पास में पीड़बांट का मैदान मिल जाएगा। फिर अपनी बात करते हैं वागड़ या व्याघ्र घाट की दोस्तों, तो संपूर्ण डूंगरपुर और संपूर्ण बांसवाड़ा के क्षेत्र को ही अपने क्या कहते हैं, वागड़ के नाम से जानते हैं। वागड़ कौन सा हो गया दोस्तों, वागड़ डूंगरपुर और संपूर्ण बांसवाड़ा का क्षेत्र। मेवलिया या मेवल क्या है दोस्तों, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य बिखरी हुई पहाड़ियों का जो क्षेत्र है उसे अपने मेवल के नाम से जानते हैं। देवलिया ये प्रतापगढ़ का रियासती नाम है, बीहड़ पट्टी कोटा से धौलपुर के मध्य है, घने जंगलों का ये क्षेत्र माना जाता है। फिर चौथे और अंतिम भूभाग पे आते हैं अपने, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं दोस्तों। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गोंडवाना लैंड का अवशेष कौन सा भाग रह गया, तो दोस्तों यही रह गया ना, तो ये वाला जो हिस्सा अपना रह गया। इस प्रकार से हमने इसको बांटा था। दोबारा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, है ना, ये अपनी अरावली थी, और इस प्रकार से है ना, ये वाला जो हिस्सा अपना रह गया, हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती, आपको याद ही होगा। ये लावा निर्मित पठार है, किससे बना हुआ है दोस्तों, लावे से बना हुआ है, और काली मिट्टी का विस्तार है। बहुत बार पूछा जाता है हाड़ौती के पठार की मिट्टी है कैसी है, मध्यम काली। ये 7% भूभाग पर और 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती का मतलब पता है, तो यहाँ पर कोई भी समस्या आपके पास में नहीं होने वाली है। इस प्रदेश की मुख्य वनस्पति जो है वो उष्ण शुष्क पतझड़ वाले वन देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा मालवा का पठार, यहाँ पर किसकी बात करें, मालवा का पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित। अगर आपसे पूछा जाए मालवा का पठार कहाँ है, तो मालवा के पठार कैसा भी यहाँ पर आता है। इस प्रदेश को अपने दो भागों में बांट सकते हैं, हाड़ौती का पठार और विंध्यन का घाट। सबसे पहले अपने बात करते हैं हाड़ौती के पठार की, तो हाड़ौती वाला यानी कोटा संभाग जो है वो इसमें आ गया। ये मूलतः दक्षिण की ओर प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का विस्तार है। ये ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के जमने से बना हुआ है, और यहाँ पर पाई जाने वाली काली मिट्टी है जो कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इसका जो ढाल है वो उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर है। अगर किसी भी स्थान का आपको ढाल देखना हो तो आप याद कर लीजिएगा उसकी नदी जो है वो किस दिशा में जा रही है। हाड़ौती पठार को 5 उप प्रदेशों में अपने बांट सकते हैं। ये 5 उप प्रदेश है दोस्तों, और चंद्राकार पर्वतश्रेणियाँ, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद का उत्सल, झालावाड़ का पठार और डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र। पहले अपने बात करते हैं विंध्या कगार की। अब देखिए दूसरी बात जो अपनी विंध्यन कगार की है, तो ये मुख्यतः सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी के अवनालिका प्रदन से बनी हुई जो है खड्ड भूमि का क्षेत्र है। ये कगार क्षेत्र जो है बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, यानी विंध्याचल पर्वत का ये हिस्सा माना जाता है। कहाँ है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में चंबल नदी के अवनालिका प्रदन से बना हुआ निम्न खड्डेनुमा ये जो भूमि है उससे बना हुआ है। इसके बाद में दोस्तों आगे अपने बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों के विषय में। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में हैं, और बिजासन के पहाड़ जो हैं वो मांडलगढ़ में है, चिड़िया टूंक, मेहरानगढ़, बीठली, तारागढ़ में, त्रिकूट, जैसलमेर में, और करौली जो है वो कैला देवी मंदिर में है, सुंदा पर्वत भीनमाल में। तो दोस्तों इसमें देखिएगा सुंधा माता का मंदिर भी है, इसमें राजस्थान का पहला रोप वे लगाया गया है, और दूसरा जो है वो उदयपुर में है।
मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ में हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं दोस्तों? कोटा व झालावाड़ में हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक और सारा ओवरव्यू हमने देख लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो राजस्थान की जलवायु को समझने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो जलवायु शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। हम देखिए जलवायु किसे कहेंगे दोस्तों। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ आज जो अपने बात करेंगे वो सारी की सारी जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपकी परीक्षा में पूछी जाने वाली है, विशेषतः हमारा फोकस उन्हीं टॉपिक्स पर रहने वाला है, उन्हीं लाइनों पर रहने वाला है जहाँ से क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम देखें कि जलवायु का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो जलवायु एक दीर्घकालिक दशा होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दीर्घकालिक घटनाएँ होती हैं किसी भी स्थान पर, क्योंकि जलवायु जो है वो किसी स्थान की होती है। तो एक स्थान पर लंबे समय तक जो भी मौसम की दशाएं रहती है, वहां की जलवायु रहती है, यानी इसमें हम शामिल कर सकते हैं वहां की वर्षा, वहां का तापमान, वहां की हवाएं, वहां की जो वनस्पति हो गई, और इसके अलावा जो भी है हम देखिएगा इन चीज़ों को शामिल करते हैं। विशेषतः इन चीज़ों को शामिल किया जाता है और इनके आधार पर हम कहते हैं कि किसी स्थान की जलवायु कैसी है। ये लंबे समय तक, सामान्यतः हम इसको 30 वर्ष का टाइम पीरियड मानते हैं, कई जगह आपको 31 लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो 30 सालों तक हम इसको मान के चलते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाना नहीं है, समझने के लिए, ताकि हमारा ध्यान ये रहे कि हमें पढ़ना क्या है। जब भी आप जलवायु को देखेंगे किसी स्थान की, तो आपको ये चीज़ें देखनी होती है, वर्षा, तापमान, हवा, वहाँ की वनस्पति, और लें तो वहाँ की मिट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा आर्द्रता भी अपनी ले सकते हैं। ये एक लंबे समय तक जहाँ का तापमान है उसको अपने कभी काउंट करते हैं, तो उसी के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल जो अपना है उसकी दीर्घकालिक दशाओं को ही हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द है, जल और वायु, यानी हवा और देखिएगा जो अपना रेनफॉल है, वर्षा है, उसी से संबंधित हम इसको ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि इसी पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो यहाँ से बड़े अच्छे से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। कैसी है दोस्तों? शुष्क से उप आर्द्र, या फिर हम इसे कह सकते हैं उप उष्ण प्रकार की जलवायु है दोस्तों। दोस्तों हम इस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ेंगे? एक तो जो आपका RBSC में दे रखा है, RBSC में जो आपको दे रखा है राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं हैं, उसके प्रकार हैं, प्रकार से ज़्यादा उसने जो बताई है राजस्थान में ऋतुएं हैं, ऋतुएं किस प्रकार की आती हैं, उनमें क्या क्या होता है, इतना ही बताया गया है। लेकिन जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो देखिए ऋतुओं में से भी आते हैं, और सबसे ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछा जाता है जलवायु के प्रकार, यानी जलवायु के जो भौतिक विभाजन हैं उनसे क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कैसी है, उप आर्द्र या फिर उप उष्ण है, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कैसी है, तो शुष्क की प्रधानता ही है, यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क है। बाकी सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखिए भी देखेंगे। यहाँ मानसूनी का जो अर्थ रह गया, यानी हमारी जो वर्षा है वो किस पर डिपेंड करती है दोस्तों? मानसून पर डिपेंड करती है, इसलिए भी हम इसे कह सकते हैं। अरावली की बात करें तो दोस्तों अरावली के पश्चिम में यहाँ पर क्या होती है? बहुत ही न्यून वर्षा होती है, उच्च दैनिक वार्षिक तापांतर रहता है दोस्तों। दोस्तों जैसा हम राजस्थान के नक्शे की बात करें, ये अगर हमारी वो रह गई अरावली की पर्वतमाला, तो अरावली के पश्चिम में देखिएगा कौन सा है? रेतीला स्थान ही है, विशेषतः शुष्क और अर्ध शुष्क आता है ये वाला स्थान। तो यहाँ पर क्या है? वर्षा कम होती है दोस्तों। इधर जैसा कि हम जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, ये जो सारी की सारी बेल्ट रह गई, ये कैसी है? ये न्यून वर्षा वाले क्षेत्र ही माने जाते हैं, और वर्षा कम होगी तो यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है, वार्षिक तापांतर भी बहुत रहता है दोस्तों। वार्षिक तापांतर का मतलब कि साल के अंदर न्यूनतम टेम्परेचर, यानी सर्दी में कम से कम और गर्मी में जो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसका बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। आर्द्रता यहाँ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा विशेषतः नदियाँ भी नहीं है, जल भी यहाँ पर नहीं है, कम होने के कारण आर्द्रता यहाँ रहेगी, वर्षा नहीं होती इसलिए आर्द्रता भी कम है।
साथ ही साथ यहाँ पर तीव्र हवाएं चलती हैं दोस्तों रेगिस्तानी इलाके में, और इनसे युक्त शुष्क जलवायु है। किसकी बात की हमने, अरावली का ये जो पश्चिमी भाग है इसके विषय में अपनी बात कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, अरावली के पूर्व में अगर हम इस स्थान की बात करें तो अर्ध शुष्क उपार्द्र या फिर उपोष्ण प्रकार की जलवायु जो है यहाँ पाई जाती है। यहाँ कौन सी होगी, अरावली के पूर्वी भाग में हमें इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है दोस्तों। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो अपनी वर्षा की मात्रा है वो भी बढ़ती है। अगर अपने पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है, वर्षा क्या होती चली जाएगी दोस्तों, ज़्यादा होती चली जाएगी। लेकिन अपने ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे प्राकृतिक कारक हैं जिनके प्रभाव के कारण राजस्थान का अधिकांश जो क्षेत्र है वो कौन से में आता है, वो शुष्क में ही आता है दोस्तों। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति और उसकी दिशा, वनस्पति आवरण आदि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक माने जाते हैं। सभी के विषय में हम डिटेल से भी स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपार्द्र मानसूनी या उपोष्ण प्रकार की जलवायु अपने कह सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ की जलवायु की अगर एक लाइन में विशेषता कहें, कम वर्षा है, उच्च दैनिक तापांतर है, निम्न आर्द्रता पाई जाती है। अगर हम इसको दो भागों में बांटें, सामान्यतः हम देख भी सकते हैं कि अरावली जो है वो राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। एक तरफ अगर हम रेगिस्तानी की बात तो वहां पर वर्षा कम है, उच्च दैनिक तापमान होता है, गर्मियों के अंदर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए वार्षिक तापांतर भी ज्यादा है, आर्द्रता भी कम है, वर्षा की मात्रा भी कम है, तीव्र हवाएं, गर्म हवाएं, लू जैसी हवाएं भी यहां पर ही चलती हैं। और इसके विपरीत यहां की कंडीशन पाई जाएगी जो अरावली के पूर्वी जो हमारा हिस्सा रह गया, यहां पर क्या होगा, वर्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए उपार्द्र हो गया, आर्द्र हो गया, अति आर्द्र तक यहां की जलवायु पाई जाती है। नदियां भी इस साइड में थोड़ी ज्यादा है, मिट्टी भी उपजाऊ यहाँ की ज़्यादा है दोस्तों। अब आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हमें पढ़ने बहुत आवश्यक है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें अक्षांशीय स्थिति की। तो अक्षांशीय स्थिति जो है जलवायु का प्रमुख निर्धारक तत्व माना जाता है। जैसा हमने पढ़ा था दोस्तों, ये हमारी भूमध्य रेखा थी, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा थी, ये हमारा आर्कटिक व्रत था और ये अंटार्कटिक व्रत था। तो हमने ये कहा था कि कर्क रेखा से मकर रेखा का जो हो गया, वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए उष्ण वहाँ की जलवायु होगी। जलवायु कटिबंधों में हमने यहाँ देखा था, यहाँ जो होगी वो शीतोष्ण होगी और ध्रुवों पर जो होगी वो कौन सी होगी, शीत होगी। ये अपने पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो अक्षांशीय स्थिति की अगर बात करें, अगर हमारा राजस्थान यहाँ होता, इस बेल्ट में होता, यानी 35 डिग्री पे होता दोस्तों, तो फिर कौन से में आ जाता, शीतोष्ण में आता पूरी तरह से। अगर वो 70 डिग्री पे होता तो फिर कहाँ चला जाता, शीत में चले जाता। तो इसलिए ये तो डिपेंड करता ही है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कैसी है दोस्तों। तो दोस्तों आपने ये तो याद कर ही रखा होगा कि कर्क रेखा जो है राजस्थान के बिल्कुल निचले भाग से गुजरती है, बांसवाड़ा के अंदर से गुजरती है और डूंगरपुर की सीमा को छूती हुई निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ ये इसलिए महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपसे इसलिए नहीं पूछा जाता कि कर्क रेखा निकलना कोई विशेष बात होगी, ये हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहा है देखिएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ से अगर कर्क रेखा से अगर अपने नीचे लेंगे तो यहाँ की जलवायु तो होगी उष्ण, लेकिन ऊपर की कौन सी होगी दोस्तों, शीतोष्ण जलवायु हो गई। तो दोनों ही कटिबंधों में क्या है, ये आ रहा है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है तो वहां पर जलवायु कौन सी होगी, अगर आपसे पूछा जाए उष्ण जलवायु या उष्ण कटिबंध में कौन सा आता है, तो दक्षिणी भाग हमारा कौन सा हो गया, उष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन अधिकतर जो हमारा भाग है वो कौन से में आ गया दोस्तों, वो उपोष्ण कटिबंध में हमारा आता है। तो उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु होगी वहाँ पर न्यून वर्षा होती है और इसी के कारण यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की दिशाएं पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कैसी है, तो शीतोष्ण के बजाय हम इसको ज़्यादा सही शब्द कह सकते हैं उपोष्ण। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे कटिबंध के आधार पर पूछा जाए तो, हालांकि ये कोई फिक्स नहीं होता कि अगर हम उष्ण कटिबंध में आ गए तो हमारी वैसी ही रहेगी, क्योंकि और भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे समुद्र तल से दूरी है, अगर हाइट पे होता है दोस्तों, जैसे हम माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू की जो नेचर है वो पूरे राजस्थान से बिल्कुल ही अलग प्रकार की हमें देखने को मिलती है, जो कि उसकी हाइट के कारण होती है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम दूसरा देख लेते हैं, हमारा पॉइंट आता है, वो आता है समुद्र से दूरी। अब देखिएगा समुद्र से दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, समुद्र से दूरी का सबसे बड़ा प्रभाव रह गया
कि यहाँ पर कौन सी जलवायु हो जाएगी, दोस्तों महाद्वीपीय जलवायु हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु है या नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि समुद्र यहाँ हमारी सीमा से नहीं लगता है दोस्तों। दोस्तों समुद्र का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी के अंदर भी और जलवायु के अंदर भी। देखिए इकोनॉमी भी वहाँ की अच्छी रहेगी, जो किनारे आप देखिएगा संपन्न जो हमारे स्टेट रहेंगे वो सारे के सारे समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि वहाँ से माल का आवागमन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा विकसित होते हैं दोस्तों। लेकिन जो बीच का हिस्सा हमारा रह गया, यहाँ पर चीज़ें वैसे भी आती आती महंगी हो जाती हैं, दूसरे अगर कंट्री से आते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही महंगा पड़ता है, तो इकोनॉमी की कंडीशन के हिसाब से भी पीछे रह जाता है। और जलवायु की अगर हम बात करें तो कौन सी रहेगी, महाद्वीपीय जलवायु होगी। लगभग 400 किलोमीटर अपने ये मान करके चलते हैं राजस्थान अरब सागर, हमारा जो राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम में रह गया। भारत के कौन से भाग में है दोस्तों, उत्तर पश्चिम में है, तो इधर कौन सा है, इधर अरब सागर है दोस्तों। तो अरब सागर को ही लेंगे क्योंकि बंगाल की खाड़ी से तो बहुत ज़्यादा दूर रह गया। नज़दीक से नज़दीक हमारे कौन सा है, अरब सागर है दोस्तों, इसलिए कांडला बंदरगाह को भी वो बार बार परीक्षा में पूछ लेता था, आजकल तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं। तो यहाँ देखिएगा लगभग कितना रह गया, 400 किलोमीटर तक की दूरी इसकी रह जाती है। तो इसलिए समुद्रकारी या फिर हम कहें समुद्र की जो समकारी जलवायु है, यानी समुद्र किनारे जलवायु कैसी रहती है, हमेशा एक जैसी ही रहती है, तो वो प्रभाव हमारे यहाँ पर नहीं आता है। इसके अलावा अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो इसके ऊपर कच्छ के रण का पड़ा, लेकिन कच्छ का रण तो खुद ही अपने आप में क्या है दोस्तों, शुष्क है और दलदलीय क्षेत्र है, इसलिए महाद्वीपीय जलवायु यहाँ पर होगी। और महाद्वीपीय जलवायु कौन सी होती है, महाद्वीपीय जलवायु होगी गर्म और साथ ही साथ कैसी होगी, शुष्क होती है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, नमी जो होती है वो लो होती है, नमी कम होती है दोस्तों, और इसी के कारण यहाँ पर अत्यधिक विषमताएं भी हमें देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं समुद्र तल से दूरी होने का फायदा या नुकसान क्या कहें, लेकिन विशेषता आगे कि हमारी जलवायु महाद्वीपीय होगी, जो कि गर्म होगी, शुष्क होगी, और इसके अंदर नमी की जो मात्रा है वो कम होगी, साथ ही साथ यहाँ पर अत्यधिक विषमताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें तो हमारा आता है उच्चावच। उच्चावच यानी कि जो भी हमारा धरातलीय स्थिति है उसी को हम उच्चावच के नाम से जानते हैं। उच्चावच या धरातल का डायरेक्ट इफेक्ट हमारी जलवायु पर आता है, क्योंकि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो वो तापमान और आर्द्रता को प्रभावित करता है। देखिएगा जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान अपना कम होता चला जाता है, बहुत बार पूछा भी जाता है परीक्षा में राजस्थान में न्यूनतम तापमान या सबसे कम तापमान अपने कहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों तापमान की बजाय आप ऐसा कहें कि जो बर्फ वाला हिल स्टेशन की भी अगर अपने बात करें, कभी कोई संभावना हो तो कौन सा रहेगा, सबसे ऊँचा माउंट आबू ही रहता है दोस्तों, तो वो समुद्र तल से ऊंचाई के कारण वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ उच्चावच के कारण एक तो आप माउंट आबू को देख सकते हैं दोस्तों, इसके अलावा दो तीन चीजें हैं यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बनते हैं, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उच्चावच से, जो आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, एक तो आ गया माउंट आबू, दूसरा आपका रहेगा अरावली की स्थिति, और तीसरा आपका रह गया थार का मरुस्थल। तो ये तीनों हमारे प्रश्नों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। माउंट आबू इसलिए हो गया क्योंकि इसकी जलवायु अलग हो गई पूरे राजस्थान से ही, और वो किसके कारण है, वो ऊंचाई के कारण होगी दोस्तों। तो दूसरा जो हमारे पास में आगे अरावली, अरावली किस प्रकार से प्रभावित करती है, बहुत बार पूछा जाता है अरावली की स्थिति जो है हमारी वो कैसी रहेगी, वो इस प्रकार से है, कैसे होगी दोस्तों, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से होने के कारण क्या है, हमारे दो साइडों से मानसून आता है, एक तो आया अरब सागर से, एक आया बंगाल की खाड़ी से। तो अरब सागर से जो मानसून आता है, अगर ये मानसून वर्षा इसको करनी है तो इसके किनारे कोई ना कोई रुकावट या बाधा होनी चाहिए ताकि पर्वतों से टकरा करके वर्षा हो सके, जैसे पश्चिमी घाट पे होती है। लेकिन अगर वो राजस्थान में प्रवेश करती है, देखिएगा यहाँ पर इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ये हवाएं सीधी निकल गई क्योंकि अरावली इसके समानांतर हैं। अगर ऐसे होती तो बहुत वर्षा होती, लेकिन ये अरावली कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी, थोड़ी बहुत जो इससे यहाँ पर वर्षा होती है, यहाँ इस साइड में इसकी जो वर्षा करने का स्थान रह गया, लेकिन अमूमन क्या है, ये इस तरह से होने के कारण ये हवाएं सीधी निकल जाती हैं और यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है,
तो ये इफेक्ट अरावली के कारण है जो हमें याद रखना है। फिर हम बात करें थार के मरुस्थल का। थार का मरुस्थल से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ग्रीष्म काल में देखिएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, यहाँ पर चलती है लू, जो कि परीक्षा में आपसे बहुत बार पूछा भी जाता है दोस्तों। इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि थार का जो अपना मरुस्थल है वो इस मानसून को लाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होता है दोस्तों, क्योंकि जब देखिए ग्रीष्म काल होता है और सूर्य जो है पूरा उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पर होता है, तो आईटीसी जेड जो है वो हमारे यहाँ तक पहुँच जाता है और यहाँ का मरुस्थलीय जो इलाका रह गया वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है और इसी के कारण अरब सागर से जो पवने हैं वो हमारे इधर चलनी शुरू होती हैं। देखिए राजस्थान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है लेकिन राजस्थान को उसका लाभ नहीं मिलता है, क्यों नहीं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इधर रह जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे जो प्रश्न आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मानसूनी और चक्रवातीय दशाएं। देखिएगा ये भी हमारे लिए काफी जानना जरूरी था, अभी हमने इसको देख भी लिया है कि यहां की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है दोस्तों। तो मानसून अपने कहां से आता है, दो प्रकार के मानसून आते हैं, अभी हमने इसकी बात भी की थी, राजस्थान में जो मानसून आता है एक तो आता है अरब सागर से, एक आता है बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी से जो आता है वो डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँचता, पहुँचते पहुँचते इसकी आर्द्रता है वो बहुत ही कम हो जाती है दोस्तों। अरब सागर से आता है लेकिन अरब सागर जो है वो उसके समांतर रह गई अरावली पर्वतमाला, इसलिए वर्षा नहीं करता। लेकिन यहाँ प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए ये नज़दीक तो ज़रूर है अरब सागर लेकिन वर्षा यहाँ से सबसे ज़्यादा नहीं होती, सबसे ज़्यादा वर्षा जो है ग्रीष्म काल में हमारे बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। और अरब सागर लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किससे होती है, तो फिर अरब सागर से आने वाली हवाओं से ही यहाँ पर जो है वर्षा होती है दोस्तों। तो मानसून भी हमारे यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर वाले ने तो वर्षा की ही नहीं और ये जब तक पहुंचा तब तक अपना पानी खत्म करके आता है, जिसका बहुत ज़्यादा हमें लाभ नहीं होता। इसके अलावा चक्रवातीय दशाओं के रूप में हम ये भी देख सकते हैं कि शीत ऋतु में सर्दी की जब ऋतु होती है तो चक्रवात आते हैं। और देखिए चक्रवात जो पछुआ हवाओं के साथ में जो चक्रवात आते हैं भूमध्य सागर से जो हमारे विक्षोभ बनते हैं उनके कारण यहाँ पर सर्दियों में दिसंबर जनवरी में सीमित मात्रा में वर्षा होती है, जिसे हम मावठ के नाम से जानते हैं दोस्तों। मावठ क्या है, महावत है, या फिर इस प्रकार से बहुत बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मावठ। मावठ आती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, जो अपना भूमध्य सागर है वहां से मानसून उठता है उसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है। इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं और जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश रह गया लाठी सीरीज है वहाँ पर इससे वर्षा भी होती है, इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। रबी की फसल के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। सेवन घास के लिए भी हम इसको इम्पोर्टेंट मान के चलते हैं। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें चक्रवातीय के रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति तापमान और आर्द्रता को प्रभावित करती है। प्राकृतिक वनस्पति अगर ज़्यादा होगी तो वर्षा को भी आकर्षित करता है, उससे तापमान भी कम होता है, तो ये दोनों तीनों चीज़ों के कारण ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है दोस्तों। तो राजस्थान में अगर अपने बात करें प्राकृतिक वनस्पति तो है ही नहीं, बहुत ही कम है, इसके कारण तापमान और आर्द्रता पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ रहा है, रहे सहे को भी अपने काट देते हैं, इसके कारण स्थानीय जलवायु जो है हमारी उसके प्रभाव हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। किसी भी रूप में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बड़े अच्छे प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की विशेषताएँ कौन कौन सी हो सकती हैं, क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है। ये देखिएगा हमने कहा सारी ऐसी नहीं है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की यहाँ पर जो है वो प्रधानता ज्यादा है, यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु आपको ज्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ भी अगर आपसे पूछा जाए तो शुष्क ही ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो ग्रीष्म काल में 50 डिग्री तक पहुँच जाता है दोस्तों, और शीतकाल की बात करें तो वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आ जाता है, 2 से भी नीचे कई बार 0 पर भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो हमारा आता है यहाँ पर अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा है। दोनों शब्दों के अर्थ समझ लीजिएगा, अपर्याप्त मतलब जितनी यहाँ पर होनी चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है उतनी नहीं होती है, आवश्यकता अनुसार बारिश यहाँ पर नहीं होती है, और जो होती है वो भी अनिश्चित है, अनिश्चित यानी आएगी या नहीं आएगी, इसीलिए यहाँ पर खेती को
मानसून का जुआ कहते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ होगी या नहीं होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, अच्छी होगी, इस बार मानसून अच्छा हुआ, इस बार बारिश अच्छी होगी, कई बार नहीं भी होती है, अकाल भी पड़ जाते हैं, तो अपर्याप्त भी है और अनिश्चित भी है। फिर हमने कहा वर्षा का असमान वितरण, देखिएगा अपर्याप्त है, अनिश्चित है, वहीं असमान भी है। असमान का मतलब कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है। जैसे पश्चिमी जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश रह गया, वहाँ पर तो होती ही नहीं है, कुछ जगह जीरो भी अपने मानते हैं, और जैसे झालावाड़ है वहाँ पर 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है, तो वर्षा का असमान वितरण भी हमें देखने को मिलता है। अधिकांश जो हमारी वर्षा है वो जून से सितंबर के बीच में होती है, ये बात याद रखनी है आपको। वर्षा की परिवर्तनशीलता और न्यूनता के कारण सूखा और अकाल की स्थिति अधिक होती है। दोस्तों हमने क्या कहा, वर्षा की परिवर्तनशीलता और न्यूनता के कारण सूखा भी पड़ता है और अकाल भी पड़ता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है वो काफ़ी कम हो पाती है अरावली स्तर प्रकार से, इसके कारण ये जो सारा मरुस्थल अपना रह गया। देखिएगा दोस्तों मानसून आता तो इस तरह से है, लेकिन वर्षा जो है वो इधर ज़्यादा होती है, इधर इधर जाते जाते वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, हमारी घटती चली जाती है। अगर आपसे पूछा जाए वर्षा जो है तो वो इस साइड में अपने जाएंगे तो इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर घटती चली जाती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान की जलवायु की विभिन्नताओं और विषमताओं के कारण शुष्क से लेकर अति आर्द्र तक की जलवायु दशाएं हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ना कितनी विषमताएं हैं हमारे यहाँ पे, जहाँ एक तरफ शुष्क से हमने शुरू किया अति आर्द्र तक, यानी 0 से लेकर 200 तक सेंटीमीटर की जो हमारी वर्षा है, इतना वेरिएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो बड़ी अजीब सी बात है, एक ही स्टेट के अंदर हमें इतना ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। उपार्द्र मानसूनी जलवायु है, ये बात अपने कर चुके हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, अधिक है दोस्तों। दैनिक का मतलब दिन में कम और ज़्यादा का, रात में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रेतीला जो हमारा मरुस्थल रह गया वो रात में बहुत ठंडा हो जाता है और दिन में बहुत ज़्यादा तपता भी है, वहीं पानी जो है वो जल्दी से गर्म नहीं होता, जल्दी से ठंडा भी नहीं होता, इसलिए वहाँ पर समकारी जलवायु दशाएँ जो हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी दशाएँ नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद में देखिएगा राजस्थान में अधिकतर जो वर्षा है वो गर्मी में होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसी से होती है। किसी भी प्रकार का प्रश्न आए विशेषताओं में से आप निकाल लेंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और हम देख लेते हैं जलवायु का ऋतु प्रारूप, यानी किस प्रकार की ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपकी बुक्स में यही दिया हुआ है। पहली बात तो भारतीय जलवायु के समान ही राजस्थान के जलवायु का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो ऋतुओं के अनुसार ही करते हैं, और वो भी कितनी ऋतुएं, 3 ही ऋतुएं हैं दोस्तों। राज्य की जो जलवायु है वो भी स्वरूप उसका है 3 ऋतुओं में स्पष्ट होता है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शीत ऋतु है दोस्तों। अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो वो मार्च से मध्य जून तक है, वर्षा ऋतु की बात करें तो मध्य जून से लेकर के सितंबर तक है, और शीत ऋतु की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी तक चलती है दोस्तों। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम एक एक को करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, यानी इस समय किस प्रकार की जो दशाएँ हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। सबसे पहली बात कि मई जून में संपूर्ण राजस्थान में जो तापमान होता है वो उच्च हो जाता है, इस समय सबसे ज़्यादा तापमान ही मिलेगा संपूर्ण राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, इनमें तापमान 40 डिग्री से भी ज़्यादा रहता है, सबसे गर्म जिले अपने इनको कह सकते हैं संपूर्ण राजस्थान के अंदर। कारण हम जानते हैं क्योंकि ये स्थान कैसे रहेंगे, रेतीले रहेंगे, जो तापमान के कारण बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों पूर्वी राजस्थान की बात करें, देखिएगा कितना अंतर इधर आ जाता है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तापमान 36 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है, इधर तापमान थोड़ा आपको कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी अलग है, इतना रेतीला यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नदियाँ भी हैं, वनस्पति भी ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है। दक्षिणी अरावली के उच्च भागों में ऊंचाई के कारण तापमान कम हो जाता है, जैसे हमने प्रारंभ में ही बात की थी माउंट आबू जो है वो ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ का तापमान आपको कम देखने को मिलता है।
इस समय धूल भरी आंधियों का प्रकोप होता है। इस समय बहुत सारी धूल भरी आंधियां चलती हैं। विशेषतः हमने कहा था लू, पश्चिमी राजस्थान में क्या चलती है, लू चलती है, जो एक प्रकार से गर्म आंधियां हैं, काफ़ी इसकी स्पीड भी होती है दोस्तों। फिर यहाँ पर कई बार बमूलिया भी आता है। बबूलिया, बमूलिया कैसा भी शब्द आए, ये भी एक प्रकार का छोटा चक्रवात अपने कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान पड़ा तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी न्यून हो गया दोस्तों। यहाँ का तापमान क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, रेत है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई दोस्तों, तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वायुदाब है वो कैसा हो गया, बहुत ही कम हो जाता है, वायुदाब बहुत न्यून हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हवाएं सेवनीय रूप में ऊपर उठना शुरू कर देती हैं, यानी ऊपर जानी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हल्की हो गई तो ऊपर, हल्की चीज़ें ऊपर उठती हैं, भारी चीज़ें नीचे रह जाती हैं, तो इधर से ठंडी हवाएँ आनी स्टार्ट हो जाती है, और ये जब ऊपर निकलती हैं तो कई बार वृत्ताकार घूमना शुरू कर देती हैं। छोटे छोटे जो देखिए गर्मियों में बमूले बनते हैं, छोटे चक्रवात होते हैं, इस तरह की आकृति आपको देखने को मिल जाएगी, इन्हें ही हम बमूलिया के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ राजस्थान के ही हैं सभी ने इनको देखा होगा। और ये कोई लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते हैं, चक्रवात हैं लेकिन इतने बड़े चक्रवात नहीं हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये बहुत ही थोड़े समय के लिए ही रहते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा शुष्क जो हमारे प्रदेश है वहाँ पर रात्रि में तापमान काफ़ी कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि रेत जो है वो रात में बहुत ही ठंडी हो जाती है, इस कारण तापमान हमें कम देखने को मिलता है। दिन में बहुत ज़्यादा होगा लेकिन रात में तापमान बहुत कम हो जाता है। इस समय हवा में नमी की कमी होती है, नमी नहीं होती है दोस्तों। देखिए गर्मी का मौसम, हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, और संपूर्ण राज्य इस समय गर्मी के चपेट में ही रहता है। खूब गर्मी पड़ती है यहाँ पर, दिल खोल के गर्मी पड़ती है कि मुझे तो सारा का सारा यहीं पर रहना है, पूरी मेहरबान होती है गर्मी यहाँ पर। अगर देखिए भारत के अंदर किसी को गर्मी का अनुभव लेना हो तो फिर यहीं राजस्थान में घूमने के लिए आना चाहिए, बड़े अच्छे से उसको मिल जाएगा, विशेषतः पश्चिमी राजस्थान के अंदर। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु कब आती है, मध्य जून से लेकर के सितंबर तक का जो टाइम है वो वर्षा का आता है। वर्षा हमारी दो प्रकार से हम देखते हैं, एक तो गर्मियों की वर्षा है और एक सर्दियों की वर्षा है। गर्मियों की वर्षा जो है हमारी मानसून से आती है। मध्य जून तक संपूर्ण राज्य जब ग्रीष्म से तप्त हो जाता है तो वायु दाब और हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होने के साथ ही हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा दोस्तों, जैसे ये हमारा भारत रह गया और यहाँ हमारा राजस्थान रह गया दोस्तों। जो कर्क रेखा है यहाँ, सॉरी थोड़ा नीचे लीजिएगा, इसको ITCZ मान लीजिएगा आप, तो ITCZ जो है यानी सूर्य यहाँ तक पहुँच जाता है, सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें, तप्त बहुत हो गया, ये देखिए रेत भी है, इस कारण यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा होने के कारण वायुदाब जो है वो न्यून हो गया। वहीं पर यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है, अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो देखिएगा, यहाँ टेम्परेचर अपेक्षाकृत क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए वायुदाब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और आप ये जानते हैं कि पवन जो है क्यों चलती है, पवन क्यों चलती है, क्योंकि एक तरफ वायुदाब कम होता है, एक तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए चलती हैं। तो इधर से इधर आनी शुरू होगी, जैसे ही ये आती है समुद्र के ऊपर से आती है तो यहाँ से जलवाष्प को लेकर के आती है और यहाँ पश्चिमी घाट से टकरा करके वर्षा भी करती है, खूबी भी करती है, राजस्थान में भी आती है। यही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मानसून आता है, लेकिन अभी हमने देखा भी था अरावली के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है दोस्तों, थोड़ी बहुत होती है लेकिन इतना जिम्मेदार नहीं होता। वहीं पर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है ये इधर मेघालय की तरफ खूब वर्षा करता है और फिर ये इधर से इस तरह से घूम करके आता है, तो यहाँ आते आते यहाँ की जो इसकी नमी है वो काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो भी वर्षा होती है राजस्थान में उसके लिए बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है दोस्तों। दूसरा हम लेंगे राजस्थान में जून के अंत में अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से सक्रिय हो जाता है। ये बातें अपने अच्छे से समझ चुके हैं। मानसूनी वर्षा
जो है वो कम हो जाती है। धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों होती है? क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा की दिशा के समानांतर होता है, इसलिए मानसून राज्य में बिना वर्षा के उत्तर की तरफ चला जाता है। ये पॉइंट अपने अच्छे से समझ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। दूसरा कि बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाले मानसून की राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता काफी कम हो जाती है दोस्तों। सक्रिय तो होता है लेकिन मानसूनी वर्षा कम होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वर्षा ऋतु वाली चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा देखिएगा, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम होने और उस पर वनस्पति कम होने का भी वर्षा के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जितनी अपेक्षा होती है उतनी यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है दोस्तों। ये ग्रीष्मकालीन वर्षा की अपने बात कर रहे हैं, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राजस्थान में वर्षा होती ही नहीं है। जून से सितंबर तक राजस्थान में अधिकांशतः वर्षा होती है, बहुत जगह तो बहुत अच्छे तरीके से वर्षा होती है, झालावाड़ की तरफ काफ़ी वर्षा होती है। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते बिल्कुल भी नहीं होती है, असमान है, अनिश्चित है, वो चीज़ें अपनी सारी अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों इसके बाद में आगे हम बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो स्थान है वो आबू के निकटवर्ती स्थान रहेंगे, जहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा रहती है। स्थान की अगर अपने बात करें तो कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, सिरोही में वर्षा का औसत है वो 90 सेमी तक रहता है। झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा अपने कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर हैं। यहाँ 10 से 25 सेमी तक ही होती है। ये ज़्यादा वर्षा वाले हो गए और ये कम वर्षा वाले हो गए दोस्तों। इसके बाद में हम आते हैं शीत ऋतु पर, जो अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु यानी सर्दी की ऋतु। सर्दी की ऋतु को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो मानसून के प्रत्यावर्तन का काल है और दूसरा शीत ऋतु है। मानसून के प्रत्यावर्तन का काल है अक्टूबर से मध्य सितंबर तक चलता है। जो हमारा मानसून हमने देखा था ऊपर गया था वो वापस लौट करके आता है, क्योंकि जो दशाएं हैं वो सर्दी आते आते बदल जाती हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क रेखा से नीचे चल करके कहाँ पहुंच जाता है, मकर रेखा की तरफ आता है। तो परिस्थितियाँ बदल गई, अब इधर वाला हिस्सा गर्म हो गया तो हवाएँ उल्टी चलनी शुरू हो जाती है, इसी को हम लौटता मानसून कहते हैं। बड़े सामान्य सी भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, जितना आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसी आसान भाषा में समझ लोगे तो ठीक रहेगा दोस्तों। अन्यथा अगर पूरा परीक्षा दे लीजिएगा, जब हम आरएएस की तैयारी करेंगे तो वहां पर मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, वहां समझ लीजिएगा। लेकिन अभी इतना ही काफी है कि ये जो हवाएं हैं वो वापस लौटती है, जिसे हम लौटते मानसून के नाम से जानते हैं। तो सर्दियों में हमारी जो सारी पर्यावरण की दशाएं परिवर्तित होगी, सूर्य अभी दक्षिणायन हो जाता है, इसलिए जो ऊपर की तरफ था वातावरण वो अब नीचे की तरफ हो गया दोस्तों। तो इसलिए हवाएं भी कैसी होगी, उल्टी हो गई। तो ये अक्टूबर से मध्य सितंबर तक रहता है शीत ऋतु, उसके बाद में आती है दोस्तों। मानसूनी हवाएं अक्टूबर से वापस लौटने लगती हैं। इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री तक हो जाता है। तापमान अगर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन अर्थात वापस लौटने का काम है। जो आया है उसे जाना ही है एक दिन। तो इसी तरह से मानसून आता है मेहमान की तरह और मेहमान की तरह वापस लौट भी जाता है। आना जाना इसका लगा रहता है। हम देखते हैं हर गर्मी सर्दी के अंदर किस तरह से आता है, किस तरह से लौटता है। इसके बाद में देखिएगा, आगे लौटता मानसून भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा करता है। ऐसा नहीं है कि वापस आता है तो कहीं वर्षा नहीं करता, थोड़ी बहुत कर देता है। वास्तविक शीत ऋतु का आरंभ जो होता है दिसंबर में होता है। हार्ड जमाने वाली जो सर्दी है, शीत लहरें जो हैं वो दिसंबर में चलती हैं, क्योंकि इस समय सूर्य कहाँ चला गया दोस्तों, दक्षिणायन में। तो जो गर्मी थी वो तो अपनी दक्षिण में ले गया, तो पीछे सर्दी छोड़ जाता है। जब हमारी तरफ आता है तो गर्मी लेकर के आएगा और दक्षिण के अंदर शीत ऋतु ले आएगा। तो ये तो क्रम है प्रकृति का, ये चलता रहता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं पूरे राज्य में चलने लगती हैं। कौन सी हवाएं? उत्तरी पश्चिमी। इस समय पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात भी प्रदेश में आते हैं, जिनसे कुछ वर्षा होती है। इस वर्षा को मावठ कहते हैं, ये हम अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभों से और विशेषतः भूमध्य सागर से आने वाला ये मानसून होता है, चक्रवात होता है, सूर्य चक्रवात आते हैं, जिनके कारण पश्चिमी विक्षोभों के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। सर्दियों में होने वाली वर्षा है, जिसे मावठ या फिर हम इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों, यह जो वर्षा है वो रबी की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है, वरदान ही कहते हैं। जनवरी के माह में शीतकाल पूर्णता पर होता है। जनवरी में देखिए, जैसे ही मकर संक्रांति का नाम आपने सुना होगा, मकर संक्रांति आते आते जो है हमारा मौसम बदलना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों, संपूर्ण प्रदेश में तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री तक रहता है दोस्तों। सर्दियों की बात कर रहे हैं, आपको 5 डिग्री भी मिल जाएगा, 15 डिग्री भी मिल जाएगा, ये वेरिएशन है।
चूरू फलोदी गंगानगर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसमें बाड़मेर कोटा बूंदी दक्षिणी सवाई माधोपुर जिलों में तापमान 10 डिग्री से अधिक होता है। तो ये अंतर ही है तापमान का, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं सर्दियों में कितना ज़्यादा कम हो जाता है, 0 पर भी पहुंच जाता है चूरू में कई बार। तो इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं जलवायु प्रदेशों के विषय में। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी जलवायु प्रदेश हमारे, जिसमें हमें पढ़नी है। एक तो आपको आएगा कोपेन, एक आएगा ट्रिवार्था, एक आएगा थारनवेट, इनको पढ़ना है। साथ ही साथ भारतीय मौसम विभाग ने जो 500 भागों में बांटा है उन्हें भी हमें पढ़ना है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, आजकल आ रहे हैं नया ट्रेंड। पहले दोस्तों जो प्रश्न आते थे सामान्य जो जलवायु के वर्गीकरण से थे, फिर आगे चले तो ये कोपेन पे आ गया। आजकल कोपेन जो है वो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला है और हम सबसे पहले कोपेन के विषय में ही बात करने वाले हैं। कोपेन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कोपेन ने किन किन भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 ये भाग हैं जहाँ पर इसको बांटा गया है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AW की, अर्थात कैसा हो गया, उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। AW कौन सा हो गया दोस्तों, ये वाला रह गया अपना, ये वाला जो अपना है वो AW रह गया दोस्तों। इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिणी चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ का जो एरिया है वो अपना आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ इसको समझ लीजिएगा, सबसे पहले AW का जो अर्थ है वो क्या होता है दोस्तों। तो ए जो देखिएगा बड़ा ए है, बड़ा ए का मतलब यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है, यानी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस ही रहता है, 18 डिग्री जो तापमान है उससे ज़्यादा रहेगा। लेकिन कौन सा मासिक तापमान की बात कर रहे हैं, वैसे भी यहाँ इस बात को समझ लीजिएगा जो हमारे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है तो ये उष्ण में ही आ गया ना, तो इसलिए तो उष्ण वाले का तापमान तो वैसे ही ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो यहाँ का तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ए का मतलब यही होगा कि तापमान जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। W का अगर आपसे प्रश्न शब्द का जो अर्थ है वो पूछा जाए तो आप इसको हमेशा याद करते हैं, विंटर ड्राई समर रेन, यानी सर्दियां जो हैं वो देखिए शुष्क रहती हैं और गर्मियों में वर्षा होती है, तो विंटर ड्राई समर रेन। W का जो छोटे वाला W है उसका अर्थ अपने लेते हैं AW। तो ये उष्णकटिबंध का हो गया, यहाँ आप इसको देख सकते हैं कौन सा रह गया दोस्तों, उष्णकटिबंधीय रह गया। उष्णकटिबंधीय है ना, क्योंकि कर्क रेखा से नीचे रह गया इसलिए अपने उसको उष्णकटिबंधीय के रूप में जानते हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न यही पूछे जाते हैं, अगर आपको शब्द याद हैं तो आराम से निकाल लेंगे। दूसरा जो आता है अपना BSHW आपका ये वाला हिस्सा रह गया, 2 नंबर, ये 2 नंबर आपका आ गया BSHW, यानी अर्ध शुष्क रह गया। अर्ध शुष्क कौन सा रह गया, सॉरी ये वाला रह गया आपका 2 नंबर BSHW, यानी अर्ध शुष्क जो अपना प्रदेश रह गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ क्या होता है दोस्तों। बी का अर्थ अपने बिल्कुल सामान्य भाषा में लें तो वाष्पीकरण जो होता है वो वर्षा से ज़्यादा होता है, यानी जितनी वर्षा आती है उससे ज़्यादा तो भाप बन के यहाँ से निकल जाता है। फिर हमारे पास में जो है BSHW, S का मतलब अपने लेते हैं स्टेपी, S का मतलब हम क्या लेंगे दोस्तों, स्टेपी लेंगे। S जो है उसका हम तात्पर्य लेंगे स्टेपी, और स्टेपी कौन सा होता है दोस्तों, स्टेपी का अर्थ वो होगा घास के मैदान। घास के मैदान, यहाँ पर घास ज़्यादा होगा लेकिन वृक्ष जो है वो यहाँ पर कम पाए जाते हैं, तो उसके हम स्टेपी प्रदेश के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों जो आता है अपना शब्द है H, H का मतलब क्या होगा, हॉट, H का मतलब हॉट, हॉट का मतलब 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ज़्यादा है, लेकिन ये वार्षिक की अपने बात कर रहे हैं। जो पहले हमने बात की थी वो देखिए मासिक थी, उष्णकटिबंध में 18 डिग्री मासिक रहता है, लेकिन ये वार्षिक औसत की अपने बात कर रहे हैं। तो इसके बाद में W आपको पता ही है, विंटर ड्राई समर रेन के रूप में होता है, यानी यहाँ पर जो है सर्दियाँ सूखी रहती हैं और जो बारिश जो होती है वो गर्मियों में होती है दोस्तों। तो ये हो गया, इसमें अरावली के पश्चिमी क्षेत्र, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये वाले इलाके जो हैं वो इसमें आ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगले की बात करें, हमारे पास में आ गया BWHW, कौन सा आ गया, BWHW यानी उष्ण शुष्क प्रदेश आ गया, ये वाला एरिया अपना आ गया बी
WHW। अब इसको भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों, BWHW कौन सा हो गया, उष्ण शुष्क प्रदेश रह गया, यानी यहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है दोस्तों। यहाँ 25 सेंटीमीटर की हो गई, और यहाँ पर जो है वो 20 से 40 तक भी ले लेते हैं, अरावली तक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ जो है वो काफ़ी कम रहेगी, 20 से कम होती है, सॉरी यहाँ कितनी होती है, 20 से भी कम होती है, कई बार तो जीरो तक भी चली जाती है। BWHW, बी का मतलब क्या होगा दोस्तों, अभी हमने देखा था वाष्पीकरण जो है वो वर्षा से ज़्यादा होता है, और जो हमारा आ गया W का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे, मरुस्थलीय। W का जो हमारा अर्थ आ गया वो हो गया मरुस्थलीय दोस्तों, ये बड़ा W है, इसको बड़ा कर लीजिएगा, ये बड़े वाला W है। BWHW यानी यहाँ की जलवायु जो है वो कैसी रहेगी, मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु रहेगी। फिर आता है अपने पास में H का मतलब रह गया हॉट, हॉट का मतलब 18 डिग्री वार्षिक तापमान से ज़्यादा रहता है। और फिर जो आगे अपना छोटा W है उसका हम अर्थ देखिए वही लेंगे, विंटर ड्राई समर रेन, यानी जो सर्दियां हैं वो हमारी शुष्क रहती हैं, वर्षा जो है हमारी गर्मियों में रहती है। एक तो आपको नाम याद रहने चाहिए, और एक यहाँ पर आपको स्थान याद रहने चाहिए, यहाँ पर जोधपुर कॉमन होता है, इन दोनों में ही आ जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, तो एक तो AW हो गया, एक BSHW हो गया, और एक BWHW हो गया। उसके बाद में हमारा एक और रह जाता है दोस्तों, वो है CWG। CWG यानी मानसूनी वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं हम उनमें शामिल करते हैं। इसमें क्या आता है दोस्तों, इसमें पूर्वी और मध्य राजस्थान की अरावली का जो पूर्वी भाग है, ये वाला हमारा जो भाग है वो रह गया, जिसे अपने CWG कहते हैं। क्या कहेंगे, CWG। तो सी का जो अपने लेंगे अर्थ लेंगे मध्य अक्षांशीय, क्योंकि ये मध्य अक्षांशीय में आ जाता है, मध्य अक्षांशीय रह गया। और दूसरे जो हमारे पास में आया, देखिए कौन सा आ गया, W। तो W का जो यहाँ हम अर्थ लेंगे, हालांकि हमारे है नहीं, लेकिन गंगा का मैदान के रूप में हम आते हैं, और विशेषतः ये जो नामकरण है वो पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत के लिए ही किया जाता है, या हम इसे कह सकते हैं मैदानी। तो गंगा का मैदान वाला जो हिस्सा है उसके लिए अपने किस शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसके लिए हमने जो प्रयोग किया है जी का किया है, और W का जो हमने प्रयोग किया वही है विंटर ड्राई समर रेन। तो जी फॉर गंगा के लिए आता है CWG में, CWG। सी का मतलब तो कौन सा हो गया, मध्य अक्षांशीय, W हमारा देखिए वही है, और जी का जो हमारा अर्थ रह गया, जी का अर्थ रह गया हमारा गंगा का मैदान, ये जो है। वैसे भी यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो गंगा यमुना की तरफ जा रही है, तो इस आधार पर भी हम ये नामकरण देख सकते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे कोपेन के आधार पर, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, सामने वाले भी याद रखेंगे, और इसका एरिया भी आपको याद रखना है दोस्तों। मैप आपको दिया जा रहा है, इसी के अंदर है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ने के बाद में अगले के विषय में हम बात करते हैं कोपेन के, तो कोपेन को तो अपने पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों थार्न वेट के अनुसार जो हमारे जलवायु प्रदेश है वो कौन कौन सी हैं। सी AW हैं, DW हैं, DBW हैं, और EAD हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें नामकरण की गहराई में विशेषतः जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आता भी बहुत कम है। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, ग्रीष्म में वर्षा शीत शुष्कता वाला है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का ये क्षेत्र हमारा आता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का ये वाला हमारा रह गया, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हमारा ये वाला हिस्सा है वो सारा इसमें आता है। फिर आता है DAW, यानी ग्रीष्म में उच्च तापमान होता है, कम वर्षा होती है, यानी हमारा अर्ध मरुस्थलीय रह गया दोस्तों। कौन सा रह गया, अर्ध मरुस्थलीय की बात करें तो ये वाला हमारा 2 नंबर का रह गया। फिर देखिएगा हमारे पास में आता है DBW, यानी ये अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश रह गया, शीत ऋतु में कुछ वर्षा वाले उत्तरी राजस्थान के जो हमारे क्षेत्र हैं वो इसमें आते हैं, DBW के अंदर। कौन से वाले रह गए, ये वाले रह गए, तो ये हमारा 3 नंबर रह जाता है, DBW की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और फिर आता है हमारा EAD, अर्थात जो हमारा मरुस्थलीय रह गया, मरुस्थलीय वाला कौन सा रह गया दोस्तों, ये वाला एरिया जो है अपना 4 नंबर रह गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखिए, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। एक नंबर कौन सा था, एक नंबर कौन सा था, वैसे आपको याद रह जाएगा, जब आपने एक चीज़ कोपेन को पढ़ लिया है तो बाकी हमारे लिए क्या हो गए, बिल्कुल आसान रह जाते हैं। हो सकता है इस बार इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ज़्यादातर आपका कोपेन ही पूछा जाता है, याद आपको करना पड़ेगा दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास में इसका कोई बेचारा नहीं है। कुछ एक देखिए फिगर्स होते हैं, कुछ एक आपके लिए डाटा होते हैं, डाटा आपको याद करना पड़ेगा।
और इसके बाद में आगे हम बात करते हैं दोस्तों अगला जो हमारा आता है ट्रिवार्था के अनुसार। ट्रिवार्था ने भी इसी प्रकार के नाम दिए हैं AWBSH BWH और CAW। नाम मैं इनका अर्थ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अन्यथा वो आपके कोपेन के अनुसार मिक्स हो जाएंगे दोस्तों, तो उनको अलग अलग नहीं करना है, अपने को मिक्स नहीं करना है, इस तरह से तैयार करना है कि पेपर में क्वेश्चन आए तो आप आराम से निकाल पाओगे दोस्तों, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो AW ट्रिवार्था ने भी चार भागों में ही बांटा है। AW कौन सा हो गया दोस्तों, अर्थात दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो हमारे क्षेत्र हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले हमारे क्षेत्र रह गए। कौन से रह गए दोस्तों, आर्द्र जलवायु वाले रह गए। फिर हम बात करें BSH की, तो BSH कौन सा रह गया, उष्ण और अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु मध्य पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान का, ये वाला जो हमारा एरिया है दो नंबर ये सबसे ज़्यादा रह जाता है दोस्तों। BWH की अगर हम बात करें उष्ण मरुस्थलीय जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर का जो एरिया रह गया, ये जो हमारा है ये तीन नंबर वाला एरिया रह जाता है, ये अपना जैसलमेर वाला और ये वाला। देखिएगा थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर जो बागियों का वर्गीकरण हुआ है। फिर आता है हमारे पास में CAW यानी अर्ध उष्ण अर्ध जलवायु यानी कि पूर्वी राजस्थान का जो हमारा भाग है वो सारा का सारा इसमें शामिल होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये नाम आपको याद रह जाएंगे, याद तो करना पड़ेगा दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास में कोई भी उपाय इसका नहीं रह जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो हमारे पास में आता है एक और वर्गीकरण जो हमारा सामान्य वर्गीकरण है जो हमें याद करना है दोस्तों, जो हमारे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बांटा गया है। यहाँ से आपका पहला प्रश्न अगर पूछा जाए तो यहीं से पूछा जाता है, बाकी तो उसके बाद में आते हैं। तो दोस्तों ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार नंबर और ये पाँच नंबर, एक प्रश्न तो आपसे यही पूछा गया है कि पाँच भाग कौन कौन से बांटे गए हैं। तो एक नंबर जो हमारा आता है शुष्क आता है दोस्तों, ये एरिया कौन सा रह गया, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है या हम इसे कहेंगे शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा हो गया, शुष्क जलवायु जो हमारा प्रदेश होगा इसकी विशेषता क्या रहेगी, इसमें हमें क्या देखना है। सबसे पहले तापमान की बात करें, तापमान गर्मी और सर्दी दोनों में देखने हैं। गर्मी की बात करें तो रहेगा 34 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये सेल्सियस तक तापमान ये हमारा रहता है गर्मी की। सर्दी की बात करें तो 12 से 16 डिग्री तक रहता है तापमान। देखिएगा गर्मी में कितना रहा 34 से 40 तक, सर्दी में कितना ज़्यादा वेरिएशन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तापमान के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा, तो वर्षा यहाँ रहेगी 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ की औसतन वर्षा होती है। 0 मतलब 9 के बराबर ही होती है, सम जैसे क्षेत्रों में ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ हमें याद रखनी है वनस्पति, वनस्पति यहाँ कौन सी होती है, मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद को अपने एक और नाम आता है जीरोफाइट्स, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जिसमें कंटीली झाड़ियाँ आती हैं दोस्तों। वैसे भी अगर आप इसको समझना चाहें वनस्पति को, तो देखिएगा जड़ें कौन से एरिया में ज़्यादा लंबी होगी, जड़ें जहाँ पर इनको पानी ज़्यादा नीचे मिलेगा, यानी जो अपनी जड़ें लंबी होगी वो रेगिस्तानी या मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ पर वर्षा कम होती है, जड़ें उनको ज़्यादा लंबी होगी, वहाँ से नीचे से पानी उठाना पड़ेगा, और ऊपर जो है वो कम होगा दोस्तों। क्यों क्यों होगा, ताकि वाष्पीकरण कम से कम हो, पत्तियाँ छोटी होंगी ताकि वाष्पीकरण कम हो, तने कठोर मिलेंगे आपको ताकि वाष्पीकरण कम हो। तो दोस्तों देखिएगा जैसी वहाँ के नेचर हैं उसी के अनुसार वहाँ की वनस्पति पाई जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि तरबूज जो हैं वो पहाड़ों पे नहीं लगते, उनको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी पहले ही काफ़ी होता है। रेगिस्तान में पानी मिलता नहीं है, तो इतना अच्छा ग्लूकोज का सोर्स आपको कहीं और नहीं मिलेगा जो तरबूज में मिलता है। काजू हमारे यहाँ नहीं होते दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों के अंदर क्या है, ठंड ज़्यादा है, उनको शरीर को गर्म रखने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते क्योंकि हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि गर्मी पहले ही ज़्यादा है। लेकिन हमें हमारे पास की चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, पहाड़ों वाले तरबूज खाते हैं और हमारे लोग क्या खाते हैं, काजू की तरफ भागते हैं। अदर जो फ़ायदे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इतना समझिएगा जो हमारे जो आसपास की जो भोजन हमारे लिए चाहिए वो आपको आपके 25 किलोमीटर के दायरे में मिल जाएगा, वही आपके लिए लाभदायक होता है। तो आप अगर वनस्पति को देखना है तो वो वहाँ के नेचर के हिसाब से ही हुआ करती है दोस्तों। जैसे तरबूज की बेल लगती है वो वहीं पर ही रहता है। अगर सोच के देखो, कभी कल्पना करो कि तरबूज भी पेड़ पर लगता तो क्या होता,
फट जाता है भाई, देखिए नीचे पड़ के, है ना। तो इस तरह से देख लीजिएगा कि जो भी वहाँ की नेचर है उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें मिलती हैं। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा दो नंबर एरिया आता है, दो नंबर जो हमारा क्षेत्र रह गया दोस्तों, ये वाला रह गया, ये हमारा दो नंबर रह गया। दो नंबर कौन सा रह गया दोस्तों? अर्ध शुष्क है। दो नंबर कौन सा रह गया? अर्ध शुष्क रह गया। यहाँ पर अगर हम तापमान की बात करें, गर्मी की बात करें तो रहेगा 32 से 36 डिग्री तक, और सर्दी की बात करें तो 10 से 17 तक रह जाएगा। अगर हम वर्षा की बात करें, ये सारा आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, 20 से 40 सेंटीमीटर रह जाएगा। वनस्पति जो यहाँ पर रहेगी वो अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की रहेगी दोस्तों, ये आपको विशेषता याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया खेजड़ी है, रोहिड़ा है, इसी प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है, सेवन है और लीलन घास है, इस प्रकार की घासें हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फिर हम आए तीसरे पॉइंट के ऊपर, तो हमारा जो तीसरा रह गया ये वाला एरिया रह गया, जिसे हम क्या कहते हैं? उपार्द्र। उपार्द्र कौन सा होगा? तापमान गर्मियों का रह गया 28 से 36, सर्दियों का रह गया 12 से लेकर के 18। अगर आपसे वर्षा की बात करें तो 40 से 60 सेंटीमीटर रहेगी। स्टेपी प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है दोस्तों, इसमें आप ले सकते हैं गेहूं है, जो है, चना है, सरसों है, नीम है, बबूल है, इस प्रकार की जो वनस्पति है वो यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ें तो हम चलते हैं नंबर चार की ओर। ये हमारा नंबर चार रह गया, ये आर्द्र हो गया। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा बढ़ रही है, आर्द्रता की ओर बढ़ रही है। तापमान की बात करें तो सर्दियों में जो हमारा रह गया 28 से 34, और सॉरी गर्मियों में 28 से 34, और सर्दियों की बात करें तो 14 से 17। अभी हमने देखा था ये हमारा उपार्द्र था, उपार्द्र का गर्मियों से तापमान था 28 से 36। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो अर्ध मरुस्थलीय जो था हमारा उसमें था 32 से 36, और यहाँ देखिए वापस 28 से 34, यानी ये इसके बराबर आने को है। ये जो है यहाँ पर हमने 28 से 34 की बात की, यहाँ पर हमने 32 से 36 की बात की, और यहाँ हमने 28 से 36 की बात की, तो ये वापस देखिएगा कैसा हो रहा है। इधर आए तो कम होना चाहिए था ना, क्योंकि वर्षा की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन आप ये भी तो देखिएगा, हम कर्क रेखा की तरफ झुकते हुए चले जा रहे हैं, यानी उष्णकटिबंध की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण भी यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। दूसरा, वर्षा ज़्यादा होने के कारण, उमस के कारण भी आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी कारण यहाँ का टेम्परेचर अपेक्षाकृत ज़्यादा आप देख पा रहे हैं गर्मियों के अंदर, 14 से 17 जो है यहाँ का सर्दियों का तापमान होता है। वर्षा की बात करें तो 60 से 80 औसतन अपने यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पर वनस्पति जो है वो सघन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें आप ले सकते हैं नीम, और ले सकते हैं बबूल, गुलाब, इसके अलावा चावल है, ज्वार है, गन्ना है, ये सारी प्रकार की जो वनस्पति है यहाँ पर आपको वनस्पति और फसलें यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों अंतिम दौर में हम देख लेते हैं नंबर हमारा पाँच, जो हमारा रह गया अति आर्द्र। और अति आर्द्र का मतलब हुआ जहाँ वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर अब देखो यहाँ पर गर्मियों का 30 से 34 हो गया ना, जो हमने यहाँ देखा था 32 से 36, तो यहाँ पर हो गया 30 से 34, तो ये तो इसके बराबर आ गया दोस्तों, लगभग बराबरी तो है ना। कारण ये भी तो है ना कि हम कर्क रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उष्ण में आ गया। दूसरा, यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी बढ़ रही है, जो फैक्टर यहाँ लागू था वही यहाँ पर भी अपने लागू कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय वनस्पति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको सागवान मिल जाएगा, यहाँ पर आपको शीशम मिल जाएगा, यहाँ पर आपको खैर नामक वृक्ष भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये हमारे पांच प्रकार के हैं, इनको आगे थोड़ा डिटेल में भी अपने देख लेते हैं। तो जलवायु की सामान्य विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को निम्न सामान्य जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है शुष्क प्रदेश। ये सारी बातें अपने डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा जो स्थान है वो हमने दे दिए हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू जिलों में हम इसको विशेषता मान के चलते हैं। ये हमारा मरुस्थलीय प्रदेश रह गया। ग्रीष्म काल में जो तापमान है 45 से 50 डिग्री तक भी हमें देखने को मिल जाता है, अधिकतम है। पीछे हमने 34 से 40 एवरेज की हम बात कर रहे थे, तो ऐसा हमें कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी जगह आपको अलग अलग ही मिलने वाले हैं दोस्तों।
वो हमने तुलनात्मक डिस्कशन किया था। शीतकाल में 0 से 8 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं 10 से 17 डिग्री तक, जैसा भी ऑप्शन में आए उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग भूगोलविद के द्वारा इसको अलग अलग प्रकार से बांटा गया, और वैसे भी जलवायु है परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होता भी रहता है, तो इसको इश्यू मत बनाइएगा किसी भी प्रकार से, जैसा ऑप्शन में आए वैसा ही देख लीजिएगा। वर्षा जो है यहाँ पर कितनी रहेगी, 0 से 20, ये आपने याद कर ही लिया था, ये बिल्कुल सही आएगी, ये सभी जगह एक सी ही चलने वाली है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ यहाँ पर चलती हैं, विशेषतः लू चलती है जिसकी हमने बात की थी। सर्दी आए तो दिसंबर जनवरी में चक्रवातीय वर्षा होती है जिसकी मावठ के रूप में हमने बात की थी, कई बार ऐसी वर्षाएँ यहाँ पर हो जाती हैं, सारा डिस्कस अपने कर चुके हैं। दैनिक और वार्षिक तापांतर में बहुत अंतर यहाँ देखने को मिलता है। फिर हम बात करें अर्धशुष्क या फिर स्टेपी जलवायु प्रदेश की, तो अरावली के पश्चिम में और मरुस्थलीय जलवायु पेटी के मध्य अर्धशुष्क जलवायु हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ इसमें कौन से स्थान आएंगे, जालौर, पाली, जोधपुर का पूर्वी भाग, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये जो सारे हैं वो इसमें आते हैं। ग्रीष्मकाल में तापमान 36 से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है दोस्तों फिर कह रहा हूं, वो तुलनात्मक हमने देखा था, यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, जो एक मानक है वो यहां पर बता रहा हूं, वो भी एक तुलनात्मक है, वो भी अपनी जगह सही है। 36 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको देखने को मिल जाएगा। शीतकाल में तापमान 10 से 17 डिग्री तक आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर 12 से 18, जैसा ऑप्शन में आए उसको देख लीजिएगा किसी भी प्रकार से। सॉरी, ये तो 10 से 17 ही था ना, वहाँ पर भी हमने 10 से 17 की बात की थी, यहाँ तो किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है दोस्तों। वर्षा जो है वो आपको 20 से 40 मिलेगी, और तो बस यही था जो हमें इसमें याद करना था, ये सारी बातें अपने कर चुके थे। अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति है, खेजड़ी, रोइडा, सेवन, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ और कुछ विशेषता याद करने को आपको नहीं है। इसके बाद में देखिएगा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसके अंतर्गत सीकर का पूर्वी भाग, जयपुर, दौसा, अजमेर जिला आता है। 28 से 34 या फिर 28 से 36 डिग्री, जैसा भी ऑप्शन में आए उसको देख लीजिएगा, ये गर्मियों का तापमान है, और सर्दियों में आपको इतना ही मिलेगा, 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड ही आता है। वर्षा की बात करें तो 20-20 बढ़ाते जाना है हमें, तो यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर तक हो जाती है। उप आर्द्र अपनी जलवायु की बात कर रहे हैं, जिसे हम पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं, इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश के विषय में। तो पूर्वी राजस्थान के जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ का जो दक्षिणी भाग है वो इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 30 से 34 डिग्री तापमान या 28 से 34 कहें, दोनों ही सही हैं। ग्रीष्मकाल की अपनी बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर शीतकाल में जो तापमान है वो 14 से 17 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगा। 60 से 80 सेंटीमीटर जो है वो औसत वार्षिक वर्षा अपने यहाँ ले सकते हैं। सघन वनस्पति की हमने यहाँ पर बात की थी, यहाँ वनस्पति कैसी होगी दोस्तों, सघन वनस्पति आपको यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं तो जलवायु प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है वो इसके अंतर्गत कौन सा आ गया जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होगी, कोटा हो गया, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चिरोई, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले का जो दक्षिणी भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। और इसमें देखिएगा तापमान जो है वो आपका 30 से 34 डिग्री तक देखने को मिलेगा, और शीतकाल में जो है 12 से 15 डिग्री तक देखने को मिलता है। सर्वाधिक वर्षा जो है वो 80 सेमी से 120 तक होती है, सामान्यतः 100 सेंटीमीटर तक अपने यहाँ मान करके चलते हैं दोस्तों। ग्रीष्म काल में यह क्षेत्र जो है पर्याप्त गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये उष्ण में आ गया ना, बिल्कुल उष्ण कटिबंध पर आ जाता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी स्थानों पर तापमान हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है दोस्तों। तो देख सकते हैं कितने प्रकार का वेरिएशन हमने राजस्थान की जलवायु में देखा। मानसून इस प्रदेश में सर्वाधिक सक्रिय रहता है और शीतकाल सामान्य रहता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा मानसून कहाँ आएगा, अति आर्द्र, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हो रही है दोस्तों, यहीं हो रही है ना, तो सबसे ज़्यादा जो है मानसून सक्रिय भी कहाँ रह रहा है, यहीं, क्योंकि इसको दोनों से लाभ होता है। जो हमारा अरब सागर से मानसून आता है उससे भी होता है, और बंगाल की खाड़ी वाले से भी होता है दोस्तों। इस प्रदेश के अंदर घनी मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी जलवायु के प्रकार, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अपने देख लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है, जो है जनवरी है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक देखिए गर्म महीना कौन सा हुआ, तो जून हो गया। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है, अपने पढ़ भी चुके हैं, जबकि राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किससे होगी, तो अरब सागर का मानसून नज़दीक है तो वहीं से आती है।
बंगाल की खाड़ी दूर है इसलिए बाद में होती है, लेकिन वर्षा सबसे ज्यादा उसी से होती है। अरावली के वो थोड़ा सा विपरीत है, वो बाधा उत्पन्न करती है इसलिए वहां पर वर्षा होती है। सबसे ज्यादा ठंडा और गर्म जिला कौन सा है? चुरू को ही लेते हैं अपने। सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी इसी का रहेगा, सबसे कम भी इसी का रहेगा। सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है तो वो होगा जैसलमेर। उसके बाद में दोस्तों जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? वो भी जैसलमेर है। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? गंगानगर में। ये डायरेक्ट फैक्ट है दोस्तों, इनको याद कर लीजिएगा। सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में। आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो ऊपर जाते जाएंगे तिरछी होती चली जाएगी दोस्तों। सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा व गर्मियों में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा हो गया? चुरू। ये अपने डिस्कस कर चुके हैं। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान अगर पूछा जाए तो वो रह गया माउंट आबू। कौन सा रह गया दोस्तों? माउंट आबू सिरोही रह गया। और सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान की बात करें तो वो कौन सा रह गया? अपना फलोदी रह गया। कौन सा रह गया दोस्तों? फलोदी रह गया। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान कौन सा रह गया? माउंट आबू। राजस्थान में जुलाई से सितंबर माह तक सबसे ज़्यादा अपेक्षित आर्द्रता आपको देखने को मिलती है। ये फैक्ट ही है, क्वेश्चन है डायरेक्ट, है ना। एक ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। राजस्थान के जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है जो सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। ये पूछा भी गया है, कांस्टेबल के पेपर में भी पूछा गया है। और 999 मिलीबार जो रेखा है जालौर पाली अजमेर और टोंक जिलों से गुजरती है। जो लास्ट में आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताए ये एक प्रकार से वो प्रश्न ही हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे गए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपको याद करना था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। समय का सदुपयोग करते हुए बड़े जल्दी और बड़े अच्छे ढंग से हमने इसको कर लिया है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए इसका औसत वार्षिक वर्षा का तापमान कितना है तो 57.51 लगभग के अकॉर्डिंग अपने मानते हैं अगर पूछा जाए तो।